अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल एक लड़की पागल सी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ईमान ने फिर ग्लास तोड़ दिया। या मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ इस लड़की का? मजाल कोई काम सही किया हो, आज तक हर काम उल्टा है इसका। परेशान हो गई हूँ मैं, अब पता नहीं अगले घर जाकर ये क्या करेगी। मम्मी, मैं अगले घर जाऊंगी ही क्यों, जो कुछ करना पड़े। ईमान ने सीढ़ियों पर बैठे बैठे कहा, शादी तो इन महारानी ने जैसे करनी नहीं। कभी नहीं मम्मा, आपसे कितनी बार तो कहा है नहीं करनी। आज भी वो अपने बचपन वाली बात पर कायम थी कि शादी नहीं करेगी, और आज भी उसे अमीना बेगम से ठीक ठाक खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो अब कमरा बंद किए रो रही थी। अमीना बेगम की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रोशनी, जो हर काम में परफेक्ट थी, और उसके बाद ईमान थी, जिसे कभी कोई काम ठीक नहीं होता था। उसके बाद अरुमा थी, जो अभी छोटी थी और 6ठी क्लास की तालिबे इल्म थी। अमीना बेगम को ईमान की बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि वो हर बात मुंह पे बोल देती थी बगैर किसी बात की परवाह किए, और अमीना बेगम इसी बात से डरती थी, क्योंकि वो जितनी थी ईमान बहुत मासूम है। वो तेजियां चालाकियां नहीं समझती थी, बस जो आता था मुंह पे बोल देती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ से खौफ था, और वो थी शादी। आज भी उसे इस बात पर डांट पड़ी थी, और वो बिना खाए पिए रोती हुई सो गई थी। ईमान उठ गई। मम्मा ने रोशनी से पूछा, मम्मा लेकिन अब भी वो खाने को तैयार नहीं, क्या करूं मैं इस लड़की का? अच्छा, उसे कहो अम्मी बुला रही हैं। कुछ देर बाद ईमान आई। जी मम्मा, आओ बैठो यहाँ। मम्मा ने उसे अपने पास बैठने को कहा, और वो बैठ गई। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहती, मेरे साथ पता नहीं कब तक मेरा साथ है, ऐसा ना कहें। मम्मा प्लीज, तुम्हें ना एक दिन शादी करनी ही होगी बेटा, और यही जिंदगी का दस्तूर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मी नहीं, ईमान तड़प कर रोने लगी। अम्मी इसे चुप करवाने लगी और सोचने लगी कि मेरी इस मासूम बेटी का क्या होगा। वो जब बचपन में मना करती थी तो अमीना बेगम मजाक में टाल देती थी, लेकिन अब वो ईमान के लिए बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि ईमान अब 21 साल की हो गई थी, और अब तक उसकी वही जिद थी। ईमान का एडमिशन डिग्री कॉलेज में हो गया था, वो अब BSc की तालिब इल्म थी। ईमान पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, और इसलिए वो संजीदगी से पढ़ रही थी। रोशी बेटा, मैं ज़रा जरीना के घर जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर दो। जी मम्मा, कहकर रोशनी ने दरवाज़ा बंद किया और खाना बनाने चली गई। ईमान अरुमा भी आने वाले थे। 1 बज रहा था, ईमान की छुट्टी 1:15 और अरुमा की 1 बजे होती थी। अरुमा तो आ गई थी, और आते ही भूख लगी है कि रट लगा दी। रोशनी उसे खाना देने चली गई। 1:30 बजने लगा, ईमान अब तक नहीं आई। रोशनी को परेशानी होने लगी, और ईमान अंदर आती दिखाई दी। ईमान, इतनी देर कहाँ कर दी? छोले खाने गई थी आप ही, आप खाओगी? रोशनी ने एक रख कर लगाई। ईमान के, तुम्हें शर्म आती है या? मैं परेशान हो रही थी यहाँ, और तुम छोले खा रही थी। ओहो आपी, अब आप अम्मी ना बना करो, एक तो अभी उनसे भी डांट खानी रहती है। शुक्र करो बच गई, अम्मी नहीं है घर, रोशनी ने कहा। कहाँ गई है मम्मा? जरीना चाची के घर। क्यों? कामरान भाई का रिश्ता तय हो गया है क्या? क्या पता हो तो यार, मुल्तान कौन जाएगा? ईमान मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यार सही कह रही हो यार, थोड़ा करीब रख लेते। हाँ, तुमसे पूछ के तो तय करना था रिश्ता, है ना? हाँ बिल्कुल, ईमान ने कहा। अच्छा चलो खाना खाओ। नहीं आप ही, भूख नहीं, मैंने छोले जो खा लिए थे। ईमान, तुम एक दिन मम्मा से पिट जाओगी, आप ही मुझे छोले तो खाने मिलेंगे ना? कोई बात नहीं, मार भी खा लूंगी। ईमान सुधर जाओ। अच्छा आप ही, मम्मा कब तक आएंगी? पता नहीं, बता के नहीं गई। अच्छा आप ही, मैं सो रही हूँ, मम्मा आए तो मुझे उठा देना। मम्मा आप आ गई, बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मैं खा के आई हूँ। अच्छा मम्मा, क्यों बुलाया था जरीना चाची ने? हाँ बेटा, वो कामरान की शादी की डेट रख रही हैं अगले महीने में। क्या मम्मा, फिर इतनी दूर कैसे जाएंगे? जैसे सब जाएंगे। अच्छा ईमान और अरुमा कहाँ हैं? ईमान सो रही है और अरुमा खेलने गई हुई है। अच्छा ईमान को उठा दो, मगरिब होने वाली है। जी मम्मा, रोशनी कहते हुए ईमान को उठाने चली गई। मम्मा मुझे मुल्तान नहीं जाना, ईमान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या तकलीफ हो गई है अब तुम्हें? मम्मा बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी। चुप कर जाया करो ईमान, तंग मत किया करो मुझे। मम्मा का मूड बिगड़ते देखा तो ईमान चुप कर गई। दिन गुजरते गए, आज इन्हें बारात के लिए जाना था। ईमान का मूड ऑफ था, वो मुंह फुलाए एक जगह बैठे थे। बस में पूरी रात सफर में गुजरी, आखिरकार मंजिल आ गई। सबने सुकून का सांस लिया और अंदर जाने लगे। सबने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, अब बारात आराम कर रही थी। दूसरे दिन मेहंदी थी और सब बहुत थक चुके थे, आज मेहंदी थी। कामरान की सब बहुत खुश थे, सब लड़कियां औरतें तैयारियों में लगे थे। ईमान ने आज ग्रीन कलर की फ्रॉक के साथ पीला दुपट्टा लिया हुआ था, वो बेहद हसीन लग रही थी, सबकी नज़रें उस पर ठहर रही थी। अमीना बेगम ईमान की खूबसूरती से बहुत डरती थी, आज भी वो ईमान को देखकर रोशनी से कह रही थी, ईमान की नज़र उतार देना बेटा। जी मम्मा, रोशनी ने कहा और कानों में लग गई।
ईमान साहब के साथ गाने गाते गाते थक गई तो पानी पीने के लिए जाने लगी। अचानक उसका टकराव किसी मजबूत सी चीज से हुआ। उफ अम्मी मेरा सर। अमान ने एकदम ईमान को पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। ईमान ने जब आंखें खोली तो खुद को किसी के बाजुओं में देखकर गुस्से से पागल हो गई। अंधे हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखें बीबी, अगर मैं ना पकड़ता आप गिर जाती तो गिर जाती, आपको क्या मसला था? ठीक है, अगली बार पकड़ूंगा नहीं, धक्का दे दूंगा, अब ठीक है? अमान ने चुड़ाने वाले अंदाज में कहा। जाहिल कहीं के ईमान वहां से चली गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अमान गुस्से से वहां से निकल गया और सोचने लगा, आज तक खानदान में कभी किसी ने उसे उफ तक नहीं कहा था, तो ये कौन थी? अमान ईमान के ताया का बेटा था, लेकिन कभी ये लोग मिले नहीं थे क्योंकि ना कभी ईमान मुल्तान आई थी ना कभी वो कराची गया था। ईमान और अमान की आपस में लड़ाई हो चुकी थी और ईमान को रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। ईमान, क्या हुआ तुम्हें, क्यों यहाँ आके बैठी हो? रोशनी जो कमरे से गुजर रही थी ईमान को देखकर रुक गई। कुछ नहीं, आप ही बस थक गई हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, सो जाओ, सुबह फिर बारात है तो फ्रेश हो जाओगी, ठीक है? आप ही लाइट बंद करती जाना। सुबह हर जगह हलचल मची थी, हर कोई अपने काम निपटाने में लगा था। उसे अफरा तफरी में रात हो गई और सब तैयारियों में लग गए। ईमान ने आज ब्लैक और स्किन कंट्रास्ट पहना था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सब ने उसकी बहुत तारीफ की। अमान की नज़रें ईमान पर ठहर गईं, वो उसे देखे जा रहा था। ईमान की जब नज़र पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया अमान पे। अभी तक ईमान और अमान नहीं जानते थे कि वो आपस में कज़न हैं। ईमान को अब भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि अमान अब तक उस पर नज़रें जमाए हुए था। ईमान एकदम अपनी आपी के पीछे छुप गई। ठरकी कहीं के ठरकी जो है ईमान ने सुन लिया और उसका और भी पारा चढ़ गया। रहमान, ये लड़की कौन है? कौन? रहमान ने अमान से पूछा। ये जो ब्लैक और स्किन कलर के सूट में है, ये तो ईमान है, असद चचा की बेटी। व्हाट, रियली, इज दैट ट्रू? अमान को एक झटका सा लगा कि वो उसकी कज़न है। तो ये हमारी कज़न होती है मैडम, चलो आसानी होगी बदला लेने में। अमान इकलौता होने की वजह से बहुत ज़िद्दी और घमंडी था। उसे इस बात का गुस्सा था कि ईमान ने उसे अंधा और जाहिल कहा था और अब वो चाहता था कि किसी तरह ईमान से उसकी बेइज्जती का बदला ले। उसने सारा वक्त ईमान पर नज़रें गाड़े रखी। ईमान बहुत परेशान हो रही थी, गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आप ये मुझे बहुत देख रहा है। कौन? रोशनी ने अमान को देखते हुए कहा। वही जिसे आप देख रही हो ईमान, वो तो अरसलान ताया का बेटा अमान है। हाँ तो क्या वो मुझे देखेगा? अरे अच्छा, है ना, पूरे खानदान में अमीर और हैंडसम लड़का है। आपी, आइंदा आपने ऐसा कहा मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा नहीं कहती आपी, मुझे घर जाना है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ, कराची नहीं कि तुम अकेली कहीं भी चली जाओ। ईमान चुप करके खड़ी हो गई। ईमान को प्यास लग रही थी पर वो कहीं जा नहीं रही थी क्योंकि अमान की नज़रें ईमान पे हर वक्त गड़ी हुई थी और ईमान इस बात से बहुत परेशान हो रही थी। अनाया प्लीज़ यार, एक गिलास पानी ला दो। ईमान, मेरे हाथ में फूलों की टोकरी है यार, ये थोड़ा आगे ही है पानी, ले आओ। अच्छा, ईमान बस इतना ही कह सकी। आखिर जब प्यास बढ़ गई तो ईमान पानी पीने चली गई। अभी वो पानी पी रही थी कि पीछे से अमान आ गया। हाय मिस ईमान, कैसी हैं आप? ईमान ने अमान को देखा तो उसे शदीद गुस्सा आने लगा। वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी तो अमान ने आगे आके उसे रोक लिया। क्या बदतमीजी है ये, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, मुझे शर्म की कभी बनी नहीं। हाँ तो मैं क्या करूँ, रास्ता छोड़े मेरा, अगर ना छोड़ू तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अमान को उसकी बात पर हंसी आ गई। रियली, तुम मेरा मुंह तोड़ोगी? आई कांट बिलीव इट, तुमने ये मुझसे कहा। अमान ईमान का मजाक उड़ाने लगा तो ईमान को और भी गुस्सा आ गया और उसने अमान को थप्पड़ मार दिया और भाग गई। अमान का खून खौल उठा, वो गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चला गया। यहाँ सब उसे ढूंढने में लगे थे। ईमान जाके सुकून से फंक्शन इंजॉय करने लगी। उसने सोचा कि अब वो सबक सीख जाएगा और मुझसे दूर रहेगा, लेकिन ये ईमान की भूल थी। अमान जिसको पहले ईमान पे गुस्सा था, उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। समझती क्या है वो खुद को, है क्या मेरे सामने, मसल कर रख दूंगा, आज तक मेरे पापा ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ईमान, कहाँ जाओगी अब तुम मुझसे बचकर, तुम्हें तो अब किसी भी वास्ते से नहीं छोड़ूंगा। यू विल प्ले फॉर दैट मिस ईमान, ये कहते हुए अमान ने अपना मोबाइल दीवार में दे मारा और गुस्से से यहाँ वहाँ टहलने लगा। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो बारात के जाने की भाग दौड़ चल उठी। आज बारात की रवानगी थी। ईमान आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो घर जा रही थी और अमान भी आज नहीं दिखा था। बारात रवाना हो गई और एक दिन बाद सबने घर पहुंचकर सुकून लिया। ईमान और अरुमा ने आज भी छुट्टी की थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी इसलिए आराम कर रही थी। कुछ दिन गुजर गए, अमान अब तक चुप था, उसने अब तक किसी से कुछ नहीं कहा था। फिर एकदम उठा और इनाया के घर गया जो ईमान की दोस्त बन गई थी। शादी में, इनाया मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए? अनाया हैरान हुई। हाँ मुझे ईमान का नंबर चाहिए। क्यों? अनाया की हैरत में इजाफा हुआ।
इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, कजन है मेरी। हाँ लेकिन जाते टाइम उसने काफी बुराई की थी तुम्हारी, और उसका तो भी ये मतलब है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहेगी। अमान को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसने टाल दिया। हाँ वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वही क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा चलो सही है, ये लो। उसने ईमान का नंबर अमान को दे दिया। अमान नंबर लेता कुछ सोचते हुए चला गया। ईमान तुम्हारा फोन बज रहा है, आप ही देख लो किसका है, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, ले लो और खुद निपटाओ अपने काम। तौबा है आप ही। ईमान ने फोन उठाया तो अमान ने कहा, ईमान देखो कॉल मत काटना, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे तुम्हें कोई क्या बात करनी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, और तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? ईमान सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। ईमान जो बोले जा रही थी एक मिनट के लिए चुप हुई, फिर कहा, खबरदार तुमने आइंदा मुझे कॉल की, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर ईमान ने कॉल काट दी। अमान का गुस्सा बढ़ गया लेकिन उसने फिर कॉल की, ईमान काटती रही। आखिर फिर सुनाने के लिए उठाई तो एकदम अमान ने बोला, आई एम सॉरी ईमान, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि मुझे लगा मेरी गलती थी। ईमान पहले तो हैरान हुई फिर कहा, अच्छा ठीक है, कहकर कॉल काट दी। अब के अमान दोबारा कॉल नहीं की थी, बस वो कुछ और ही सोच रहा था जिससे ईमान बिल्कुल अनजान थी। ईमान कॉलेज से वापस आई तो अमान की कॉल आ रही थी। अब उसको क्या मुसीबत पड़ गई है? ईमान ने कॉल काट दी। फिर कॉल आने लगी। ईमान ने उठाकर बेजारी से कहा, क्या चाहिए? बहुत कुछ आगे से जवाब आया, मतलब ईमान ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। अमान ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए और मैं क्यों करूंगी तुम्हारा फेवर, प्लीज ईमान। अमान ने कहा, ईमान पहले चुप हुई और फिर पूछा, क्या फेवर? वो यार मुझे सिंध के नोट्स चाहिए, क्या तुम भेज सकती हो? कौन से नोट्स, बायो के या यार? ओके, पर आइंदा मुझे यार मत कहना, भेज दूंगी। ओके थैंक्स। और सोचने लगा, तुम्हें तो मैं पता नहीं क्या क्या कहूंगा, तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ईमान बहुत मासूम थी, वो कभी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि कोई उसे सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए उसने अमान की बात को भी सच माना था कि उसे नोट्स चाहिए। वो नहीं जानती थी कि अमान का मकसद कुछ और है। अब अमान बहाने बहाने से ईमान को कॉल करने लगा था लेकिन ईमान उठाती नहीं, लेकिन अमान फिर भी उसे कॉल करता था क्योंकि उसने जो सोच रखा था उसके लिए ये ज़रूरी था। कल ईमान का टेस्ट था और वो पढ़ रही थी। घर पे इस वक्त कोई नहीं था, सब जरीना चाची के घर गए हुए थे। ईमान टेस्ट की वजह से नहीं जा सकी थी। अब वो मोबाइल बंद भी नहीं कर सकती थी, ना ही साइलेंट पे लगा सकती थी, इसलिए मजबूरन उसे कॉल उठाना पड़ी। हेलो जी, क्या मसला है आपके साथ? टेस्ट क्यों नहीं याद करने दे रहे आप मुझे? ईमान ने छूटते ही कहा। किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? ईमान ने पूछा। क्यों, आपने हल करके देना है मुझे, क्या पता दे दूं? हल करके तुम पूछ सकती हो मुझसे। ईमान ने सोचा, आया बड़ा और कॉल काट दी। अमान को फिर गुस्सा आने लगा था। ईमान किसी तरह उसके हाथ नहीं आ रही थी। उसने फिर कॉल की और कहा, मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवाऊं? ईमान को वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो टॉपिक उसे बताते हुए बोली, समझाओ। अमान ने ईमान को समझाना शुरू किया और इतनी अच्छी तरह समझाया ईमान को, पूरा टेस्ट याद हो गया। ईमान को बहुत खुशी हुई कि उसे टेस्ट याद करने में मुश्किल नहीं हुई। उसने बगैर थैंक्स कहे कॉल काट दी और खुश होने लगी। अब अमान को एक ट्रिक मिल गई थी जिस जरिए वो ईमान से बात कर सकता था। उसने रोज़ ईमान को पढ़ाई के बहाने कॉल करना शुरू कर दी थी। ईमान भी कॉल उठा लेती थी क्योंकि उसे यही लगता था अमान उसे पढ़ा रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। इस दुनिया में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। ईमान बहुत खुश थी क्योंकि उसे पढ़ाई में काफ़ी मदद मिली थी और अब उसे अमान बुरा भी नहीं लगता था। वो अमान को अच्छा समझने लगी थी और उसे कहने लगी, अमान भाई आप तो अच्छे हो बहुत, मैं आपको कितना गलत समझती थी। ये सुनकर अमान दिल में हंसने लगा, मैं कितना अच्छा हूँ ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अमान भाई क्या हुआ, आप चुप हो गए? यार मुझे भाई मत कहा करो, इरिटेशन होती है। क्यों, आप तो भाई हैं मेरे। ईमान अगर भाई कहोगी मैं अगली बार नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा नहीं कहती, पर आप पढ़ाना मुझे। ईमान अब अमान की हर बात मानती थी, उसे सही समझती थी और अमान खुश था कि वो कामयाब हो रहा है। इन्हें ऐसे बात करते एक साल हो गया। ईमान का 3 सेमेस्टर शुरू हो चुका था और वो आज भी अमान से पढ़ती थी। आज भी कॉलेज से आते ही ईमान ने अमान को कॉल लगाई। उसने एक बार देखकर काट दी और हंसने लगा। साथ रहमान बैठा था, उसे पूछने लगा, क्या हुआ, पागल हो गया कि क्यों हंस रहा है? बताऊंगा तुझे भी, जल्दी क्या है। फिर ईमान की कॉल आने लगी। अमान ने मोबाइल रहमान की तरफ उछाला और कहा, बात कर मेरा कहना कि सो रहा हूँ। रहमान ने हैरत से अमान को देखा, पहले बात कर ले फिर मुझे देख लेना। रहमान ने कॉल उठाई। ईमान एकदम बोली, कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मुझे कितना कुछ समझना है। रहमान ने ना समझने की कैफियत से अमान को देखा और ईमान को कहा, ईमान मैं रहमान बोल रहा हूँ, अमान सो रहा है। उसकी ये बात सुनते ही ईमान ने कॉल काट दी और शर्मिंदा होने लगी। अमान ये सब क्या हो रहा है? रहमान ने पूछा। कुछ नहीं, टाइम पास। बहुत शर्म आती है तुझे, टाइम पास के लिए तुझे अपने खानदान की लड़की मिली थी और वो भी इतनी मासूम,
बहुत गलत कर रहा है तू। गलत तो तब हुआ था जब इसने मेरी इंसल्ट की थी। इस दिन उसने अपने मुकद्दर में गम लिखवा लिए थे। अब मैं इसे बताऊंगा बदतमीजी इंसल्ट क्या होती है। अमान, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तू। किसी मासूम के साथ मेरे मामले में बोलने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया। पछताऊंगा, एक दिन लिख के रख ले। पछताने के दिन अब मिस ईमान के हैं। मुझसे उलझने का अंजाम बहुत बुरा होता है। ईमान 3 दिन अमान को कॉल का इंतज़ार करती रही, पर उसने कॉल नहीं की। आज जब वो सोने लगी थी, अमान की कॉल आई। हेलो, ईमान ने कहा। अमान ने गहरी खामोशी के बाद कहा, ईमान मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, प्लीज़ मना मत करना, मैं टूट जाऊँगा। मैं इसलिए कुछ दिन से तुमसे दूर हूँ क्योंकि ईमान तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। ईमान का सांस रुक गया। उसने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा आपके लिए। प्लीज़ ईमान मना मत करना, मैं टूट जाऊँगा। ईमान ने कॉल काट दी और रोने लगी कि ये सब क्या हो गया, अब क्या होगा, मैं क्या करूँ। ईमान बहुत परेशान हो गई। इसी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे यही लगता था अमान ने उसकी बहुत मदद की है और अब वो उसे अगर साफ जवाब देगी तो खुद गर्जी होगी। वो चुप हो गई और मोबाइल बंद कर दिया। 2 दिन अमान ने कोई रब्ता नहीं किया। 3रे दिन कॉल की जो ईमान ने नहीं उठाई तो अमान ने उसे मैसेज किया, ईमान मैं ऐसे मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझसे बात करो, आई रियली लव यू। ईमान और भी परेशान हो गई। कॉल फिर से आने लगी, ईमान ने नहीं उठाई। फिर मैसेज आया, ईमान अगर तुमने कॉल नहीं उठाई मैं ये सारी गोलियां खा लूँगा। ईमान का तो ये देख के बुरा हाल हो गया। फिर से कॉल आई और इस बार ईमान ने कॉल उठा ली। ईमान प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, प्लीज़ आप ये सब बातें मत करें। मैंने आपके लिए आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, तो अब सोच लो ना प्लीज़। तुम्हें किसी ना किसी का तो होना ही है ना, तो मेरी हो जाओ, मैं तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा। प्लीज़ अमान आप ये सब मत कहें। ये कहकर ईमान ने कॉल रख दी। कुछ आंसू थे जो इस वक्त गिरे थे। अब रोज़ यही होता, अमान उसे धमकी देता कि वो गोलियां खा रहा है और उसे बात करता, प्यार का इजहार करता। ईमान बहुत रोती फिर चुप हो जाती। आखिर की उसे अब आदत हो गई थी अमान की ये बातें सुनने की, इसलिए अब वो रोती नहीं थी, बस चुप रहती थी। अमान अपनी चाल में कामयाब होता जा रहा था। वो ईमान को अपना और अपने प्यार का आदि बनाता जा रहा था। वो इसका बहुत ख्याल करता और उसे कहता, ईमान तुम मेरी जान हो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और अब ईमान को अच्छा लगने लगा था उसकी इतनी परवाह करना। ईमान मैं सिंध आ रहा हूँ, अमान ने आज कॉल करके ईमान को बताया। ईमान जिसे अमान कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था, ये बात सुनकर उसकी जान निकल गई और एकदम बोली, क्यों अपनी जान से मिलने, बहुत टाइम हो गया ईमान, तुम्हें देखा नहीं है। अमान ने गहराई से कहा, नहीं आप मत आए। अमान क्यों ना आऊं, बस ना आए, मुझे डर लगता है। कैसे डर लगता है मुझसे, अमान ने कहा। जी ईमान बस इतना ही कह सकी। ईमान जी तुम मेरी हो ना, अमान ने जज्ब से जूर लहजे में कहा। पता नहीं, ईमान ने जवाब दिया, अब तक तुम्हें नहीं पता तो क्या मेरे मरने के बाद पता चलेगा। उसे गुस्सा आने लगा, ऐसा ना कहें आप, क्या ऐसा ना कहूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या कहा। अगर मेरा प्यार झूठा होता ना तो तुमसे प्यार तुम्हारे पास आने का कहता और भी बहुत कुछ करता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, तुम्हारे जिस्म से नहीं, ना ही तुम्हारी खूबसूरती से। अमान की बातें सुनकर ईमान सोच में पड़ गई। उसे लगने लगा अमान उसे प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। ईमान ने एक बार फिर सोचना शुरू किया। उसे अमान सही लगा और वो ये भी जानती थी वो लाख मना कर ले, मम्मा उसे शादी तो करवाएंगी, तो क्यों ना उससे ही करूं जो मुझे समझे, मेरी बात भी माने। ईमान ने अमान को हाँ करने का फैसला कर लिया। वो बहुत परेशान थी, पर वो रोज़ रोज़ मम्मा को हर्ट करके थक गई थी और उसे यही सही लगा था। रात के 2 बजे ईमान का मोबाइल बजा। ईमान की आँख खुल गई, देखा तो अमान की कॉल थी। इस वक्त अमान क्यों कॉल कर रहे हैं, उसने बाहर जाकर कॉल उठाई। जी सब ठीक है अमान, इस वक्त कॉल की, हाँ स्वीटहार्ट सब ठीक है, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर मुझे कल कॉलेज जाना है। कॉलेज मुझसे ज़्यादा है तुम्हें, और वो काफ़ी देर तक अमान उससे बातें करता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गए। ईमान को अमान की आदत पड़ती गई। अमान बहुत खुश था कि इसका मकसद पूरा हो रहा है। वो ईमान से हर वक्त बात करता ताकि अच्छी तरह ईमान को उसकी आदत पड़ जाए, और वो उसमें कामयाब भी हो चुका था। अब ईमान को अमान की आदत हो गई थी। वो एक दिन भी अगर बात ना करता ईमान बेचैन हो जाती और अमान खुश होता। आज 2 दिन हुए थे अमान उसे जवाब नहीं दे रहा था और वो बहुत रो रही थी, तभी अमान की कॉल आई। ईमान ने एकदम उठाई और कहा, अमान आप कहाँ थे, मैं 2 दिन से आपका वेट कर रही हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने। ईमान मेरी तबीयत खराब थी। क्या हुआ आपको, फीवर था, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। ईमान नाराज़ होते हुए बोली, ख्याल तो तुमने रखना है मेरी जान, पर तुम आती नहीं। अमान मैं कैसे आ सकती हूँ भला मेरी दुल्हन बनके, और कैसे, अमान ने कहा और ईमान चुप हो गई। क्या हुआ, शर्मा रही है मेरी जान,
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, अमान फिर हंसने लगा। ऐसा है ही, तुम इस ईमान को हमसे प्यार हो ही गया। और ईमान की धड़कन तेज होगी, उसने फोन रख दिया और तकिए में मुझ मारने लगी। ईमान बहुत खुश थी, उसे लगता था अमान उसे समझता है, उसे प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी अमान के लिए वो कुछ भी नहीं थी। ईमान को अमान से प्यार होने लगा था और वो बहुत परेशान थी कि वो सही है या गलत। दूसरी तरफ अमान अपने दोस्तों के सामने ईमान का मजाक उड़ा रहा था। ईमान इस बात से अनजान थी कि वो किसी के हाथों मजाक बन रही है। वक्त गुजरता गया, ईमान की मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन आज भी वो शादी के नाम से घबराती थी। पर अमान पर उसे इतना यकीन हो गया था कि वो उसे शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। ईमान ने भी ऐसी मुकम्मल कर ली थी। अब वो कंप्यूटर क्लासेस ले रही थी और अमान उसे आज भी समझाता था जो उसे समझ नहीं आता था। आज ईमान की क्लासेस में देर हो गई थी, इवनिंग क्लासेस में जाती थी, इसलिए आज घर आते उसे रात हो गई थी। और जब वो घर आई तो एकदम हैरान हो गई। अमान सबके साथ बैठा बातें कर रहा था और उसकी मम्मा भी उसके साथ बैठी थी। ईमान ने जब अमान और उसकी अम्मी को देखा तो उसकी सांसें रुक गईं और वो सोचने लगी, अगर अमान ने मुझसे शादी कर ली तो क्या होगा, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगी। ईमान के आंसू आने लगे ये सोचकर ही, और उसे पता ही नहीं चला अमान उसके सर पर खड़ा था। ईमान ने जैसे मुंह दूसरी साइड किया, एकदम डरकर खड़ी हो गई। आप हाँ मैं, मेरी जान। ईमान एकदम पीछे हुई, आप यहाँ कैसे, क्यों, अपनी जान को देखने आया हूँ। ईमान की जान निकल रही थी अमान के एकदम इतने करीब आने से। ईमान क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो। नहीं तो मैं नहीं डर रही। अमान ने ईमान का जायजा लिया और कहा, तुम वही ईमान हो जिसने मुझे जाहिल ठरकी कहा था और मुझे थप्पड़ भी मारा था। ईमान ने एकदम अमान को देखा था, आपको वो अब तक याद है, मैं अपनी इंसल्ट नहीं भूलता कभी भी। जी, ईमान ने हैरत से अमान को देखा और अमान की आंखें लाल हो रही थी। ईमान डर गई तो अमान हंसने लगा, कुछ नहीं मजाक कर रहा हूँ। ईमान नीचे देखने लगी, वहाँ क्या देख रही हो, मुझे देखो ना। नहीं, अच्छा। अमान ईमान के और करीब आया और कहा, नहीं देखोगी। ईमान पीछे हुई, नहीं। अमान ने ईमान का चेहरा हाथ में लिया और ईमान को जैसे करंट सा लगा, उसने एकदम अमान का हाथ झटका। अमान को गुस्सा तो बाद आया लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। ईमान, आई लव यू। ईमान का सांस रुक रहा था। अमान, आप ये सब मत कहें और जाएं, कोई आ जाएगा तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं। अमान प्लीज जाने दे मुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अमान प्लीज, अच्छा कल कोचिंग के बाद मुझे मिलना। क्या, ईमान हैरान हुई, इसमें हैरानी की क्या बात है, तुम मिलोगी बस, जगह तो तुम्हें पता होगी, तुम्हारा शहर है। अमान, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। ओ, मैं कुछ ऐसा वैसा करने का नहीं कहा, बस मिलने का कहा है। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि रोशनी अंदर आई। अमान और ईमान को इतना करीब देखकर वो हैरान रह गई, क्या हो रहा है ये। रोशनी की आवाज़ पर ईमान का डर से बुरा हाल हो गया। कुछ नहीं अभी, ईमान ने हकला के बोला। अमान वहां से चला गया और रोशनी ईमान के पास आई। ईमान ने कभी ये सब नहीं सोचा था, वो इतनी मासूम थी, उसे कुछ पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा था। ईमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है। ईमान रोने लगी, आप ही मुझे अमान अच्छे लगते हैं क्या। रोशनी को हैरत हुई। ईमान, तुम होश में हो, क्या कह रही हो, आप ही मैं सच कह रही हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कब से चल रहा है ये सब, 2 साल से। आप ही, ईमान ने सर झुका लिया, 2 साल मतलब कामरान भाई की शादी से। नहीं आप ही, तब वो पढ़ाते थे सिर्फ, अब ये सब हो गया। ईमान, अमान तुम्हें पढ़ाता भी था। जी आप ही, ईमान जहां तक मुझे याद है तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। जी अभी, फिर अमान ने सॉरी कहा था मुझे। क्या, अमान ने तुम्हें सॉरी कहा और फिर तब से तुम्हारी बात शुरू हुई है ना। रोशनी ने जांचती नजरों से देखा। ईमान ने कहा, जी आपी। रोशनी को कुछ गलत लगा। ईमान, तुम सच में अमान से प्यार करती हो। जी आपी, तुम शादी करोगी अमान से। ईमान ने एकदम रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, आपी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं शादी कैसे करूंगी, ये सब मैंने कभी सोचा ही नहीं। ईमान, तुम्हें अमान ने क्यों कॉन्टैक्ट किया, आप ही सॉरी कहने के लिए। रोशनी गहरी सोच में डूब गई। ईमान, अब से तुम अमान की हर बात मुझे बताओगी, वादा करो। जी आपी, ईमान ने कहा। और एक और बात, कभी अकेले मिलने नहीं जाऊंगी अमान से, मुझे वादा करो। जी अभी नहीं जाऊंगी, मैंने अभी उन्हें मना कर दिया था। तुम्हें उसने मिलने का कहा था। जी अभी, ईमान नजरें नीचे करते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मम्मा बुला रही हैं तुम्हें, अभी मम्मा को मत बताना। नहीं बताती, जाओ। रोशनी को ये सब बहुत अजीब लगा क्योंकि ईमान ने उसे बताया था कि उसने अमान को थप्पड़ मारा था और जितना उसने अमान के बारे में सुन रखा था वो किसी को इतनी आसानी से नहीं बख्शता था। फिर ईमान ने तो उसे थप्पड़ मारा था और उसके बाद अमान ने ईमान से कांटेक्ट किया और अब मोहब्बत, ये सब रोशनी को एक साजिश लगी और इसलिए उसने ईमान को मना किया अमान से अकेले मिलने से। अभी अमान बाहर गया हुआ था, उसकी मम्मा बहुत अच्छी खातून थी, इन्हें ईमान पसंद थी लेकिन उन्हें अपने बेटे का पता था कि अपनी मर्जी का मालिक है, ख्वामखा बात करके फ़ायदा नहीं था।
एक बार उन्होंने अमान से बातों बातों में ईमान का जिक्र किया तो अमान बिगड़ गया और कहा, आइंदा उसका नाम भी मेरे सामने कोई ना ले। और उसके बाद उन्होंने कभी इससे बात नहीं की। और जब अमान ने कहा कि उसे कराची जाना है तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्यों? तो अमान को आए 2 दिन हो गए थे। उसने ईमान को बहुत बार मिलने का कहा लेकिन हर बार ईमान ने मना कर दिया। और अब अमान को गुस्सा आ रहा था। उसने ईमान को जवाब देना बंद कर दिया। ईमान बहुत परेशान थी कि वो क्या करे। उसने सब रोशनी को बताया और रोशनी ने अमान से मिलने से साफ मना कर दिया। लेकिन अमान की नाराज़गी ईमान को परेशान कर रही थी। ईमान ने अमान को कितने मैसेज और कॉल किए पर अमान ने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो घर आता तो सो जाता, ईमान की तरफ देखता तक नहीं था। आज भी वो आया, ईमान उसका इंतज़ार कर रही थी और वो सीधा ऊपर चला गया। सुने ईमान भी अपने कमरे में जाने लगी तब उसकी मम्मा ने उसे कहा कि अमान को चाय दे आओ। ईमान अमान को चाय देने चली गई। वो अभी चेंज करके लेटा था कि ईमान ने दरवाज़ा नॉक किया, आ जाओ। वो अंदर आई और कहा, चाय? अमान ने ईमान की तरफ देखा और कहा, दरवाज़ा बंद करके आओ। उसने एकदम अमान की तरफ हैरत से देखा, क्या? ईमान ने उसे देखा। अमान उठा और ईमान के हाथ से चाय लेकर रखी और उसका हाथ पकड़ लिया। ईमान डर गई। अमान, हाथ छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? अमान ने ईमान को खुद की तरफ खींचा और कहा, अब तक कुछ नहीं किया लेकिन अब करूंगा। ये कहकर अमान ने ईमान के गिर्द घेरा डाल दिया और ईमान ने एकदम अमान को झटका देकर पीछे किया। अमान, ये क्या बदतमीजी है? उसने फिर से ईमान को पकड़ लिया और कहा, बदतमीजी तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की। वो तड़प कर रह गई और खुद को अमान के घेरे से छुड़ाने लगी और रोने लगी। अमान, प्लीज़ मुझे छोड़े, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अमान की आंखें लाल हो गईं। भूल गई वो थप्पड़ जो तुमने मुझे मारा था? उस दिन तुमने अपनी किस्मत में गम लिखवा लिए थे। अमान, प्लीज़, वो तो पहले की बात थी, अब आप वो बात क्यों कर रहे हैं? मैं माफ़ी भी तो मांग चुकी हूँ उसकी, आपसे प्लीज़ मुझे छोड़ दें। अमान ने गिरफ्त और तेज़ कर दी और कहा, भूल जाओ, मैं आज तक कभी मेरे बाबा ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। और तुम हो क्या? तुम आज तुमसे हर हिसाब पूरा करूंगा। नहीं अमान, प्लीज़ जाने दे मुझे, आप तो प्यार करते हैं मुझसे, ईमान ने लाचारी से कहा। प्यार? अमान ने ईमान को ज़ोर से धक्का दिया। ईमान का सर बेड से लगा। वो पहले ही रो रही थी, अब डर से कांपने लगी। उसने अमान को हैरत के साथ देखा था। अमान उसके करीब आया और कहा, प्यार? और तुमसे? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुमसे मैं सिर्फ नफरत कर सकता हूँ, प्यार नहीं। ईमान ने इतने दुख से अमान को देखा और कहा, तो वो सब ड्रामा था मिस ईमान। आज तुम्हारा जो मैं हशर करूँगा उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये सुनकर ईमान भागने लगी लेकिन अमान ने उसे पकड़ लिया। ईमान के सर से खून बह रहा था। चोट इतनी गहरी नहीं थी पर खून निकल आया था। अमान, प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। अमान उसकी बात सुन ही कब रहा था। उसने ईमान को बालों से जकड़ लिया और खुद के बहुत करीब कर लिया। ईमान बहुत रो रही थी लेकिन अमान उसे ज़बरदस्ती करने लगा। वो चीख रही थी पर वो उसे नहीं छोड़ रहा था। रोशनी जो कब से ईमान को ढूंढ रही थी ऊपर आई। ईमान की चीख पर कमरा खोला तो रोशनी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अमान को धक्का देकर ईमान को आज़ाद करवाया। ईमान पूरी तरह कांप रही थी और रोशनी से लिपट कर हिचकियाँ ले रही थी। रोशनी गुस्से से पागल हो गई। अमान, तुम इतने घटिया इंसान होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अभी जाके सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ। बता दो शौक से, मेरे पास भी फिर बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बहुत चीप हो तुम अमान, रोशनी ने देखा ईमान की हालत बिगड़ रही थी इसलिए मजीद बहस ना करने का सोचकर वहां से जाने लगी। तब अमान की आवाज़ पे रुक गई। मैं कितना चीप हूँ ये देखने के लिए, अपनी बहन को यहाँ छोड़ जाओ और आधे घंटे बाद आना, फिर तुम्हें ठीक से पता चल जाएगा कि मैं कितना चीप हूँ। ईमान ने अमान की ये बात सुन के रोशनी को और ज़ोर से पकड़ लिया और रोशनी जो कुछ कहने के लिए रुकी, ईमान की हालत देख कर बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। ईमान को लेके ईमान और रोशनी एक कमरे में सोते थे। अरुमा मम्मा के साथ सोती थी इसलिए ईमान की हालत कोई देख नहीं सका। अमान घर से चला गया था। ईमान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बुरी तरह कांप रही थी और रोशनी उसे अपने से लगाए हुए थी। ईमान, मेरी जान कुछ नहीं है, वो चला गया है। रोशनी ईमान को तसल्ली देने लगी लेकिन वो कांपे जा रही थी। रोशनी ने ईमान के पानी में नींद की गोली डाल के दी ताकि वो सो जाए और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। उसे सुलाकर रोशनी सोचने लगी, ऐसा क्या है अमान के पास जो वो कह रहा था? अगर मैं किसी को अमान की हरकत का बताती हूँ तो ईमान फंस ना जाए कहीं। और वो भी सो गई। अमान सुबह सुबह अपनी मम्मा को लेकर मुल्तान रवाना हो गया था। उसकी मम्मा ने वजह पूछी तो कहा, मम्मा यहाँ का काम खत्म हो गया, अब वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी जाना है। और फिर वो दोनों चले गए। सुबह रोशनी ने ईमान को उठाया तो वो डरते हुए नींद में बोलने लगी, अम्मी बचा लो मुझे। रोशनी ने ईमान को झंझोड़ा और ईमान उठे बुरी तरह कांपने लगी और रोशनी से लिपट कर रोने लगी। रोशनी ने देखा उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। उसने उसे खुद से लगाकर कहा, ईमान कुछ नहीं है, मेरी जान सब ठीक है, वो चला गया है। अमीना बेगम अंदर आई तो ईमान को ऐसे देख के उसकी तरफ लपकी। रोशनी, क्या हुआ है ईमान को, ये इस तरह क्यों रो रही है? मम्मा ये डर गई है।
रोशनी ने बहाना बनाया, किस चीज़ से डरी है ये, और वो भी इतना। ईमान मम्मा के गले लग गई और रोने लगी। अमीना बेगम का दिल कट कर रह गया ईमान की ऐसी हालत देख के, और वो रोने लगी। क्या हुआ है ईमान मेरी जान? और ईमान बेहोश होके अमीना बेगम की बाहों में झूल गई। रोशनी डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। अमीना बेगम के रोने में तेजी आ गई और रोशनी ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने एक हफ्ते की दवाई दी। ईमान दवाइयों के जेरे असर सो रही थी। अमीना बेगम उसके पास से हिली भी नहीं थी और रोशनी ने इन्हें यही बताया कि वो किसी चीज़ से डर गई है और वो एक मिनट भी ईमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो नींद में भी कहती थी अम्मी बचाएं। और अमीना बेगम अपनी शोक और चंचल बेटी को इस हाल में देखकर कट कर रह गई। ईमान का बुखार अब काफ़ी कम था पर वो अब भी डरी हुई थी। तब रोशनी उसके पास आई और कहा अमान वापस मुल्तान चला गया है, परेशान ना हो। अब ईमान का इस बात से कुछ डर कम हुआ और वो एकदम चुप हो गई थी। ना किसी से बात करती थी और ना कहीं जाती, बस अपने कमरे में रहती। अमीना बेगम ने बहुत बार रोशनी से पूछा आखिर इस साथ ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बेटी की ये हालत हो गई है, लेकिन रोशनी हर बार यही कहती कि वो किसी चीज़ से बुरी तरह डर गई है, लेकिन वो चीज़ उसे भी नहीं पता। ईमान से जैसे कोई कुछ पूछता वो रोने लगती और फिर मम्मा को लिपट जाती। इसलिए अमीना बेगम ने उसके बाद ईमान से दोबारा कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि इन्हें ये नॉर्मल डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो ये बात पूछती भी किससे, इसलिए चुप कर गई और ईमान के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वही इन्हें बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। अमान को वहां से गए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल सका। वो बहुत बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों बेचैन है। वो अपना बदला तो ले चुका है, फिर क्यों उसे सुकून नहीं मिल रहा था? आखिर क्यों वो सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था? ईमान अब काफ़ी हद तक संभल गई थी, पर अब वो किसी से ना ज़्यादा बात करती थी और ना ही कोई फरमाइश करती थी, ना ही पहले कितना अरुमा और उसकी दोस्तों के साथ खेलती थी। उसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो कहीं नहीं जाती थी मम्मा कह कह के, आखिर अब वो भी चुप हो गई थी। ईमान तुमने कब तक ऐसे रहना है? रोशनी ने पूछा। कैसे आप ही जैसे तुम रह रही हो, आप ही मुझे समझ आ गया है। मुझ जैसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं जिन्हें हर कोई आसानी से बेवकूफ़ बना जाता है। आप ही मेरा क्या कसूर था? यही कि मैंने एक अमीर ज़ादे को थप्पड़ मार दिया गुस्से में। आप ही मैं हमेशा अरुमा के दोस्तों के साथ खेलती थी और वहाँ तो थप्पड़ मारने से कभी किसी को इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन आप ही इंसान को कितना भी बुरा लगे वो किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ईमान रोते रोते बोले जा रही थी और रोशनी ने उसे रोका नहीं। आज पहली बार वो उस तरह बात कर रही थी और रोशनी चाहती थी ईमान अपने दिल का गुबार निकाल के सुकून में आ जाए। इस बात को 6 महीने गुजर गए थे। ईमान ने दोबारा कोचिंग शुरू कर दी थी और वो ऐसा ऐसा नॉर्मल हो रही थी। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन आज भी वो अमान के जिक्र से डर जाती थी। रोशनी हमेशा कोशिश करती थी कि उसके सामने अमान का नाम कोई ना ले। वहां अमान की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या हुआ है। आज भी वो बेचैन था, इसलिए जैन की तरफ चला गया। जैन उसका बचपन का दोस्त था, वो उसे हर बात बताता था। अमान चुपचाप था। जैन ने वजह पूछी तो कहा कुछ नहीं, वैसे तबीयत थोड़ी ख़राब है। इतने में जैन का दोस्त हमाद भी यहाँ आ गया। वो अमान का भी दोस्त था और वो ईमान के बारे में भी जानता था, क्योंकि अमान सबके सामने ईमान से बात करता था। अमान को देखते ही हमाद ने अमान से कहा यार क्या बना तेरी उस कज़न का? अमान को हमाद का ईमान को यूँ मुखातिब करना अच्छा नहीं लगा। उसने सरसरी सा जवाब दिया मेरी अब बात नहीं होती उससे। क्या मतलब तूने उसे बदला ले लिया? हमाद ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ यही समझ, अमान ने फिर मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन हमाद ने और दिलचस्पी से कहा क्या यार सच में अकेले ही मजे लिए उस टाइम हमें भूल गया? अमान ने हमाद की बात जो कि अभी जा रही थी सुनते ही एक जोरदार पंच हमाद को दे मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब बकवास करने की? और हमाद जो कुछ देर पहले ईमान की बातें दिलचस्पी से कर रहा था अब हैरत से अमान को देख रहा था। जैन का भी यही हाल था, दोनों उसे हैरत से देखने लगे तो वो वहां से उठ के चला गया। अमान घर आया तो उसे हमाद पे अब भी गुस्सा था। फिर कुछ देर बाद अमान को ख्याल आया कि उसे ईमान के लिए इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। अमान ने ईमान से 2 साल बात की, उसे ईमान के बारे में इतना तो पता चल गया था कि ईमान बहुत मासूम और शरीफ लड़की है, और उसके लिए हमाद का ऐसे कहना उसे बुरा लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था बुरा लगने की वजह कुछ और थी या फिर शायद खुद से ही भाग रहा था। ईमान ने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी और वह खुश थी। उसकी यहाँ नई दोस्त भी बन गई थी जिसका नाम सोनिया था। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। ईमान और सोनिया साथ आते जाते थे। ईमान की वो वाहिद दोस्त थी जिसके घर वो जाती थी और वो उसके घर आती थी। ईमान अब संभल गई थी पर वहाँ अमान का बुरा हाल था। ईमान का सोच सोच के आज भी अमान अपने कमरे में लाइट्स ऑफ किए सोचों में गुम था। जैन आया था, उसने वॉचमैन को अमान को खबर करने को कहा और उसने अमान को बताया और अमान ने इजाज़त दी और वो अंदर आया। अमान मैं काफ़ी टाइम से दिख रहा हूँ तू बेचैन है, क्या बात है आखिर मसला क्या है? जैन ने आते ही अमान से सवाल किया क्योंकि वो अब अकेले रहने लगा था और जैन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैन
मुझे हर वक्त ईमान का मासूम चेहरा याद आता है जब वो मेरे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं इतना गुस्से में अंधा हो गया, मैं बगैर निकाह के उसके साथ, ये कहकर अमान चुप हो गया। जैन उसे हैरत से देखने लगा, तूने सच में ईमान के साथ? इससे पहले वो कुछ और कहता, अमान ने कहा, नहीं, उसकी सिस्टर आ गई थी और अगर ना आती तो जैन की हैरत में इजाफा हुआ, तो मैं भी नहीं जानता। जैन को शदीद हैरत हो रही थी कि अमान गुस्से में इतना पागल हो सकता है कि किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। जैन अमान को देख रहा था और अमान चुप था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैंने ईमान के साथ बहुत बुरा किया और अब तो वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। तो मत दिखाना उसे अपनी शक्ल, बदला ले तो लिया है, अब क्यों दिखानी है शक्ल? यार मैं बहुत बेचैन हूँ उसके बगैर, मुझे लगता है मुझे उसकी आदत हो गई है। मैंने 2 साल उससे मुसलसल बात की है, उसकी हर बात जानता हूँ, उसकी जैसी मासूमियत कहीं दोबारा नहीं दिखी मुझे। मैं पागल होता जा रहा हूँ सोच सोच के। जैन ने अमान की तरफ देखा और कहा, अच्छी तरह सोच आज के तुझे क्या चाहिए, फिर फैसला कर। ये कहकर जैन चला गया और अमान सोच में डूब गया। ईमान और सोनिया कोचिंग से वापस आ रही थी। ईमान ने कहा, चलो आज छोले खाते हैं फिर घर चलते हैं। सोनिया ने कहा था, ठीक है, और फिर वो दोनों छोले खाकर घर गई। सोनिया का घर पिछली गली में था, ईमान का अगली, इसलिए वो साथ आती जाती थी। ईमान आज फिर देर कर दी, कितनी परेशान हो गई थी बेटा। अमीना बेगम ने ईमान को अंदर आते देखा तो कहा, मम्मा आज छोले खाने को दिल कर रहा था। ईमान चुप हो गई। अमीना बेगम को यह सुन के अच्छा लगा कि ईमान दोबारा पहले जैसी बन रही थी। वो बहुत खुश हुई और ईमान के को गले लगाकर प्यार किया और कहा, हमेशा खुश रहा करो मेरी जान, ऐसे अच्छी लगती हो। और ईमान खुश होने लगी आज मम्मा ने उसे डांटा नहीं। अमान सो के उठा तो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। उसने रात भर सोचने के बाद एक फैसला कर लिया था और अब वो उस पर अमल करना चाहता था और वो फ्रेश होकर जैन के पास गया। अमान, तो सोचा तुझे क्या चाहिए? जैन ने अमान से पूछा। हाँ सोच लिया। क्या? जैन ने अमान की तरफ देखते हुए कहा। ईमान, अमान ने तसल्ली से जवाब दिया। वाह, जैन ने हैरत से ईमान को देखा था। अच्छा अब ड्रामे बंद कर, मैं जानता हूँ तुझे भी पता था मुझे क्या चाहिए। अमान की बात पर जैन का कहका निकल गया और वो दोनों हंसने लगे। पर जनाब, जो आपने उसके साथ किया उसके बाद तो वो आपको देखेगी भी नहीं। मैं उठा के ले आऊँगा, अब दुनिया की कोई ताकत ईमान को मेरा होने से नहीं रोक सकती। ओ भाई सब्र कर, हर बार जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। जैन, मैं जानता हूँ अब ईमान शराफत से नहीं मानेगी और मुझे अब उसके बगैर रहा नहीं जाता, इसलिए ज़बरदस्ती तो होगी मेरे दोस्त, पर इस बार सब प्रॉपर वे में होगा। और जैन ने अपना सर पीट लिया, जिस पे अमान हंसने लगा। जैन अमान की तरफ आया तो वो पैकिंग कर रहा था। कहाँ की तैयारी है जनाब की? सिंध जा रहा हूँ। व्हाट, इतनी जल्दी? अभी कल ही तो बात हुई है हमारी, तो कल की बात कर रहा है, मुझे एक पल नहीं रुका जा रहा। मेरे मजनू भाई, तू गया काम से? और अमान और जैन हंसने लगे। अमान ने ड्राइवर को कह दिया था, वो भी अपनी पैकिंग के साथ बाहर खड़ा था। अमान के निकलते उसने अपनी सीट संभाली और जैन ने अमान को गाड़ी में बिठा के घर का रुख लिया और अमान को दुआ दी कि वो कामयाब होकर वापस आए। मम्मा पापा को उसने कल ही बता दिया था कि बिजनेस के सिलसिले में उसे जाना पड़ रहा है और उनसे कल ही इजाज़त ले ली थी। ईमान को अब अमान का डर पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। उसे यही लगा कि अमान बदला चाहता था और वो ले चुका था, तो अब उसे इस बात की परेशानी नहीं थी। वो अब पहले की तरह खुश थी, इसलिए भी कि जब वो उदास होती या रोती सब परेशान हो जाते थे, इसलिए अब वो कभी भी ये जाहिर तक नहीं करती थी कि बस वो अब खुश रहती थी सबके लिए। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अमान, जिसे वो भुला चुकी थी, वो वापस उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। अमान सफ़र में था, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अमान ईमान की सोचों में खोया था। ईमान, मैं आ रहा हूँ और इस बार तुम्हें लेके ही जाऊँगा, मेरा वादा है तुमसे और खुद से। अमान सोचते सोचते नींद की वादी में उतर गया। उसने सिंध की वादी में कदम रखा तो वो बहुत खुश था। एक एहसास था जो उसे खुशी दे रहा था और वो एहसास ईमान थी। उसने होटल में रूम पहले ही बुक करवा लिया था और अब वो होटल में मौजूद था। उसका दिल तो था कि वो इसी वक्त ईमान के पास चला जाए, पर उसने जो किया था उसके बाद उसका जाना उसे सही नहीं लगा और वो सोचने लगा, ईमान अब तुम्हारे घर तुम्हें लेने आऊँगा। अब इसका सबसे पहला काम ईमान की रूटीन के बारे में पता लगाना था, जो इतना आसान नहीं था। वो कुछ देर आराम करके ईमान के घर के बाहर गाड़ी में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा ईमान का। लेकिन 2 दिन गुजर गए, ईमान बाहर नहीं आई। अमान को गुस्सा आता और दिल करता अंदर चला जाए, पर वो नहीं गया, वहीं इंतज़ार करने लगा। ईमान की कोचिंग की 2 दिन छुट्टी थी और ऐसे वो कहीं बाहर नहीं जाती थी, इसलिए अब तक ईमान ने उसे नहीं देखा था। तीसरे दिन अमान को ईमान का चेहरा नजर आया और वो देखता रह गया। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अमान ने देखा, वो घर से निकलकर पिछली गली में गई, वहाँ से एक लड़की को लिया और कहीं जाने लगी। अमान की गाड़ी के शीशे स्याह थे, इसलिए ईमान उसे देख नहीं पाई। उसने ईमान का पीछा किया और देखा वो एक कोचिंग में गई है और अमान वहीं ठहर गया और ईमान का इंतज़ार करने लगा। ईमान और उसकी दोस्त बाहर आई और घर जाने लगी।
अमान भी उनके पीछे गाड़ी चलाने लगा। ईमान, एक बात कहूँ? सोनिया ने ईमान को करीब करते हुए कहा। हाँ कहो। ईमान ने कहा, यार वो पीछे स्याह मर्सिडीज देख रही हो? ईमान ने पीछे देखा और कहा, हाँ क्यों? यार ये सुबह भी हमारे पीछे चली थी और अभी फिर ये हमारा पीछा कर रही है क्या? ईमान की सांस अटक गई। ईमान को एकदम पसीना आने लगा। क्या हुआ ईमान? सोनिया परेशान हुई। कुछ नहीं, चल जल्दी। और फिर ईमान और सोनिया तेज से चलकर घर पहुंचे और सुकून का सांस लिया। ईमान को इस तरह डरा हुआ देखकर रोशनी ने पूछा, तो ईमान क्या हुआ तुम्हें? आप ही आज एक गाड़ी ने हमारा पीछा किया। आप ही मुझे डर लग रहा है, कहीं वो अमान तो नहीं? क्या हो गया है ईमान? तुम्हें अब तक तुम्हारा डर नहीं निकला, कोई और होगा। वह मत करो, अमान अब यहाँ क्यों आएगा पागल? और रोशनी की बातें सुनकर ईमान रिलैक्स हो गई। लेकिन ईमान ये नहीं जानती थी कि उसका ये सुकून बस कुछ वक्त का मेहमान था। अमान ने ईमान की हर रूटीन के बारे में पता कर लिया था। अब वो ईमान से मिलना चाहता था, लेकिन वो जानता था ईमान उसे कभी नहीं राजी होगी मिलने पे, पर उसे मिलना था और वो यही सोच रहा था कि कैसे। ईमान कोचिंग के लिए निकली तो अमान ने गाड़ी उसके पीछे ली और एक जगह पर गाड़ी ईमान के आगे रोक दी। ईमान ना समझी की कैफियत से गाड़ी रुकने वाले को देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि इस गाड़ी में अमान है। ईमान आगे बढ़ने लगी तो अमान गाड़ी से बाहर आ गया। उसे देखकर ईमान की सांसें रुक गईं और वो कांपने लगी। उसने ईमान की हालत देखी तो परेशान हो गया और वो ईमान की तरफ बढ़ा। ईमान एकदम भागने लगी तो अमान ने ईमान का हाथ पकड़ लिया। ईमान की जान निकले जा रही थी, आंखों में आंसू आ गए, पर डर की वजह से ईमान की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो बस रोते हुए अपना हाथ छुड़वा रही थी और अमान उसे दिलचस्पी से देखे जा रहा था। इतने में ईमान की बस इतनी आवाज़ निकली जो उसने कहा, छोड़ दो मुझे। और अमान जो कहीं खोसा गया था जैसे होश में आ गया। नहीं छोड़ो तो क्या कर लोगी, मुझे जाने दो प्लीज़, तुम अपना बदला ले तो चुके हो, अब क्यों आए हो? ईमान ने डर भरे लहजे में कहा। अमान को ईमान को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो सब भूल गया था कि उसने क्या किया है। वो बस ईमान का हाथ पकड़े उसे देखे जा रहा था और फिर अमान ने ईमान को गले लगा लिया। आई मिस यू सो मच ईमान, पता नहीं कैसे रहा हूँ तुम्हारे बिन, आई लव यू सो मच। ईमान तड़प कर रह गई थी। वो मसलसल खुद को छुड़वा रही थी और रो रही थी। अमान ने ईमान को खुद से अलग किया पर उसका हाथ नहीं छोड़ा। ईमान मैं तुम्हें लेने आया हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। लेकिन ईमान जैसे अमान की कोई बात नहीं सुन रही थी, बस रो रही थी और अपना हाथ छुड़वा रही थी। क्यों जान लगा रही हो भला, वजह बिला वजह जब तक मैं ना चाहूँ तुम नहीं जा सकती, इसलिए चलो गाड़ी में बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। ईमान की हालत ख़राब होने लगी तो अमान ने ईमान का हाथ छोड़ दिया और ईमान भाग गई। वो उसे जाते हुए देख रहा था और इस वक्त अमान को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अमान चुपचाप ईमान को जाते देख रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन ये तकलीफ उसने खुद अपने लिए पैदा की थी और अब उसे ये बर्दाश्त करना था। ईमान भागते भागते घर पहुंची और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। आ रही हूँ, क्या आफत आ गई है? रोशनी ने आते हुए कहा और दरवाज़ा खुला तो ईमान उसके गले लगकर रोने लगी। आप ही वो आ गया है, आप ही वो आ गया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कौन? ईमान क्या हुआ, कौन आ गया है? रोशनी ने ईमान को सीधा करके पूछा। अमान आप ही वो आ गया, ये कहकर ईमान फिर रोशनी के गले लग गई। क्या अमान? रोशनी को झटका लगा। अमान क्यों आया है, अभी मैं क्या करूं? ईमान तुम डरो मत, क्या पता वो अपने किसी काम से आया हो और तुम ऐसे उसे देखकर डर रही हो। नहीं आपी, मैंने उसे नहीं देखा, उसने मेरे आगे गाड़ी रोकी और मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। आपी ईमान फिर रोने लगी। उसकी बात सुनकर रोशनी को भी डर लगा कि अब अमान क्यों आया है। बहुत मुश्किल से ईमान ठीक हुई है और अब ये क्यों आ गया? उसको चैन नहीं है ना, औरों को चैन से जीने देता है। अमान को बार बार ईमान का डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था और इस बात से अमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। जो लड़की उसका इंतज़ार करती थी अब उससे इस कदर डर रही थी और ये सब उसका खुद का किया हुआ था। ईमान ने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। अमीना बेगम ने बहुत बार ईमान से वजह पूछी पर वो बार बार कहती, मम्मा मुझे नहीं जाना कहीं भी। अगर वो ज़्यादा कहती तो ईमान को पसीने आने लगते और उसका रंग जर्द पड़ जाता। ये बात उसकी मम्मा को बहुत परेशान कर रही थी। अमान को आए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अब भी वो रोज़ ईमान के इंतज़ार में बाहर खड़ा रहता, लेकिन वो बाहर निकलना ही छोड़ गई थी और उस दिन के बाद कोचिंग जाना भी छोड़ दिया और घर में कहा छुट्टियां हैं। बस रोशनी जानती थी कि वो क्यों नहीं बाहर जाती और रोशनी भी यही चाहती थी ईमान बाहर ना जाए, क्योंकि उसे अंदाज़ा था अमान कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो भी ईमान का साथ दे रही थी। ये सब कब तक चलेगा ईमान? ईमान रोशनी की गोद में सरककर लेटी थी तो रोशनी ने ईमान से पूछा, आप ही मैं कैसे ये बताऊँ ये? ईमान मैंने एक फैसला किया है। क्या? आप ही मैं अमान से बात करूंगी, उसे पूछूंगी कि वो आखिर चाहता क्या है। रोशनी की बात पर ईमान एकदम तड़प कर उठी। नहीं आप ही मैं अपने लिए आपको खतरे में नहीं डालना चाहती ईमान, अमान मुझे कुछ नहीं करेगा। रोशनी ने ईमान को तसल्ली देते हुए कहा। नहीं आप ही प्लीज़, आप कहीं नहीं जाओगी। ईमान मेरी बात समझो, मम्मा को शक हो रहा है, अगर तुम ऐसे घर में छुपी रही तो उनका शक बढ़ता जाएगा। पर आप ही
ईमान कुछ नहीं होता मुझे, और ईमान चुप होके सोने के लिए लेट गई थी। रोशनी को अमान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे बाहर निकली, थोड़ा आगे एक गाड़ी खड़ी थी और रोशनी को ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वो अमान की ही गाड़ी थी। रोशनी गाड़ी के पास गई तो अमान गाड़ी से बाहर आया। आइए सादी साहिबा, अपनी बहन को कहाँ छुपा रखा है? अमान, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। रोशनी ने अमान की बात इग्नोर करते हुए कहा, हाँ करें बात, सुन रहा हूँ। अमान भी सीरियस हुआ, अमान तुम वापस क्यों आए हो ईमान को लेने? अमान ने फौरन जवाब दिया, क्यों? रोशनी ने गुस्सा जब्त करके पूछा, क्या क्यों? प्यार करता हूँ उसे, शादी करना चाहता हूँ। तुम और प्यार? अमान ये तुम कह रहे हो? रोशनी ने हैरत से पूछा। हाँ मुझे ईमान से मोहब्बत हो गई है, तुमने नहीं देखा मैं उसकी एक झलक के लिए यहाँ कितने दिन से ठहरा हूँ अपना हर काम छोड़ के। अमान, ईमान अब तुमसे नफरत करती है, रोशनी ने गुस्से से कहा। हाँ तो करती रहे, नफरत जितनी करनी है, लेकिन आना तो उसे मेरे पास ही है। अमान तुम्हें समझ नहीं आती, दूर रहो ईमान से, इस बार रोशनी ने जोर से कहा तो अमान हंसने लगा। जाओ बीबी अपना काम करो, मुझे जो करना होगा मैं करके रहूंगा। अमान, मैं अरसलान चाचा को तुम्हारी हर बात बता दूंगी, रोशनी ने धमकी दी। ये तो और अच्छी बात है, फिर मैं बाबा को ईमान के मैसेज भी दिखा दूंगा और कहूंगा ईमान भी राजी है, बस घर वालों की वजह से मना कर रही है। और फिर तो तुम भी जानती हो बाबा हर हाल में ईमान की शादी मुझसे करवा कर रहेंगे। रोशनी के पास अल्फाज खत्म हो गए, वो हैरत से अमान को देखती गई। अमान, ईमान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो? वो तुम्हारे डर से कहीं नहीं जाती, उस पर रहम करो, वो बहुत मासूम है, उसे बदला ले तो लिया है, अब क्या उसकी जान लेकर दम लोगे? रोशनी बोले जा रही थी और अमान उसे सुन रहा था और सोच रहा था पहले रोशनी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब रोशनी तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो, अमान ने बेरुखी से कहा तो रोशनी गुस्से में वहां से चली गई। रोशनी के जाने के बाद अमान ने रहमान को कॉल की। रहमान अमान और ईमान के चचा का बेटा था, सगे चचा नहीं, इनके पापा के कज़न का बेटा था। नहायत सुलझा हुआ नेक लड़का था और फैमिली भी बहुत अच्छी थी। रहमान मुझे कुछ बात करनी है तुझसे, अमान ने कॉल रिसीव होते ही कहा। हाँ क्या? रहमान ने कहा, यार तेरी एक लड़की पसंद की है मैंने। अमान ने सीरियस होके कहा, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तेरी छोड़ी हुई लड़कियाँ देखूँ। बकवास ना करें, रोशनी की बात कर रहा हूँ। रहमान की हंसी एकदम गायब होगी। क्या रोशनी? रहमान ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। हाँ क्यों, तुझे पसंद नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं, अच्छी है, शादी में आई थी तो अच्छी लगी थी मुझे, पर मैंने सोचा वो ना मानी तो इसलिए कुछ नहीं कहा। ना मानी तो क्या हुआ, तेरा दिल चाहता था तो तुझे पीछे नहीं हटना था। खैर अब भी देर नहीं हुई, सकीना चची को लेकर सिंध आ जा और इन्हें समझा देना, हाँ करवा कर रस्म करके जाए। रहमान खुश हो गया, ठीक है मैं अम्मी से कह दूंगा, पर तू कहाँ है और तुझे आज ये ख्याल कैसे आया? मैं सिंध हूँ और ख्याल को छोड़ दूल्हा बनने की तैयारी कर। रहमान हंसने लगा, ठीक है मैं अम्मी से कहकर रवाना होता हूँ अम्मी के साथ। हाँ जल्दी कर, अभी मैं भी यहीं हूँ, तेरी अच्छी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच अमान, रहमान ने खुश होते हुए कहा। आपका काम तो हो गया सादी साहबा, अमान ने हंसते हुए सोचा और कॉल रख दी। रहमान अपनी अम्मी को मनाकर सिंध ले आया था। सब इन्हें देखकर बहुत हैरान थे कि ये लोग अचानक यहाँ कैसे, पर पूछना नहीं किसी ने। रोशनी और उसकी मम्मा इनके साथ बैठी थी, ईमान कमरे में ही थी। रहमान की नजरें बार बार रोशनी पे जा रही थी, जैसे रोशनी तंग हो रही थी। क्या ठरकी लोग हमारे ही घर आने हैं, उफ, रोशनी ये बस सोच ही सकती थी। रोशनी अंदर गई तो ईमान ने पूछा, आप ही रहमान भाई वाले क्यों आए हैं? पता नहीं ईमान अभी कुछ कहा नहीं, शायद ऐसे ही घूमने आए हो। अच्छा आप ही, आपने बताया नहीं आपकी अमान से क्या बात हुई थी। ईमान मैं पहले तुम्हें कह चुकी हूँ इतनी बात नहीं हो पाई, आप ही जितनी हुई है वो तो बता देना, वो तुम्हारे काम की नहीं है। आप ही आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं, प्लीज़ बता दें अमान चला गया कि नहीं? पता नहीं ईमान, उसने कहा था चला जाऊँगा, पर अब ये नहीं पता कि चला गया है या नहीं। आप ही सच अमान चला जाएगा? ईमान बच्चों जैसे खुश होते हुए बोली। रोशनी हाँ कहकर नजरें चुराने लगी। ईमान को वो सच नहीं बता सकती थी और वो डर जाती, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। रोशनी और ईमान कमरे में बैठी थी जब अमीना बेगम वहां आई। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी मम्मा, कहें। दोनों मुतवज्जो हुई। रोशनी का रिश्ता आया है और लड़का अच्छा है, मुझे पसंद भी आया। तुम्हारे पापा से बात की, इन्हें भी पसंद है, बस उन्होंने कहा है कि वो जैसे दुबई से आएंगे शादी कर देंगे, क्योंकि वो बार बार नहीं आ सकते, बिजनेस में लॉस होता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने आएंगे तब शादी होगी। अब मैं जानना चाहती हूँ तुम लोग क्या कहते हो। मम्मा जब आप लोग सब डिसाइड कर चुके हैं तो हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, रोशनी ने दुख भरे लहजे में कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, पूछोगी नहीं कौन है, क्या फ़र्क पड़ता है मम्मा, आप लोग वैसे भी फैसला कर चुके हैं तो मेरे पूछने का क्या फ़ायदा, रोशनी ये कहकर वहाँ से चली गई और ईमान चुप थी। रहमान और उसके घर वाले दूसरे दिन जरीना चची के घर से वापस चले गए थे। इन्हें हाँ हो गई थी और एक महीने बाद शादी का कहा गया था, इसलिए वो वापस चले गए तैयारियां करने। रहमान की अम्मी ने रोशनी के पापा से भी बात कर ली थी और ख़ानदान होने की वजह से वो जानते थे लड़का अच्छा है और वो देर करके ऐसा रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। ईमान और रोशनी को जब पता चला कि रिश्ता रहमान का है तो दोनों को
दोनों के ही होश उड़ गए। आप ही प्लीज आप मना कर दें, आपने बगैर देखे क्यों हाँ कही? आप प्लीज मम्मा से कहें प्लीज आप ही मुल्तान मत जाए, ईमान बाबा ने हाँ की है और तुम जानती हो वो अब कभी नहीं मना करेंगे। आप ही ये क्या हो गया? ईमान और रोशनी एक दूसरे से लगी, एक दूसरे को चुप करवा रही थी। अमान बहुत खुश था कि उसका प्लान काम कर गया और एक महीने बाद शादी का सुनकर वो भी मुल्तान वापस चला गया था, ये सोच के कि अब शादी में मुलाकात होगी। मिस ईमान ऐसे तो आप भाई नहीं आती, अभी शादी में अमान भी होगा, मैं क्या करूंगी? ईमान रोने लगी। ईमान तुम बस कहीं अकेली मत जाना। रोशनी को ईमान की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानती थी अमान लाजमी आएगा। शादी के दिन जैसे करीब आ रहे थे ईमान का हाल ईमान की हालत खराब होती जा रही थी। रोशनी सब समझती थी पर वो खुद भी बेबस थी। उनके बाबा भी दुबई से आ चुके थे और वो बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। अमीना बेगम शादी की तैयारियों में जुटी थी। कल बारात में आना था, उनके रहने का इंतजाम छत पर किया गया था। बारात रवाना हो चुकी थी, कल पहुंचना था और ईमान का दिल डूब रहा था, डर से बुरा हाल था उसका जब से बारात की रवानगी का सुना था। बारात के आने का टाइम हुआ, ईमान स्टोर रूम में जाके छुप गई। अमीना बेगम कब से उसे ढूंढ रही थी पर वो कहीं नहीं नजर आई तो अरुमा से कहा ईमान आप ही कहाँ है? अरुमा ने भी कहा मम्मा पता नहीं बारात दरवाजे पे है और इस लड़की का कुछ पता नहीं, क्या करूं मैं इस लड़की का? बारात आ गई थी, सबका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ था। अमीना बेगम मुसलसल ईमान को ढूंढ रही थी लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही थी। अमान की नजरें भी ईमान को ढूंढने में लगी थी, ये कहाँ छुपी है? अमान यहाँ वहां देखने लगा। बेटा कुछ चाहिए? रशीद चाचा की आवाज़ पे चौंका। नहीं चाचू। हाँ वो पानी चाहिए, तुम रुको मैं भिजवाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं चाचू? अपना घर है, खुद ले लूँगा। रशीद साहब ने खुश होकर कहा ठीक है बेटा और इंतज़ाम देखने चले गए। अमान ने हर जगह देखा, ईमान कहीं नहीं दिखी। उसने सोचा आखिर ईमान गई कहाँ? ये तो उसे पता था इसी घर में छुपी है लेकिन कहाँ? अमान सोचते सोचते स्टोर रूम तक पहुँचा। ईमान अंदर कोने में बैठी थी। अमान की ईमान को ऐसे बैठा देखकर हंसी निकल गई थी। तो तुम यहाँ छुपी हो? ईमान ने जैसे ही अमान को देखा वो बुरी तरह डर गई, जिससे छुप कर बैठी थी उसने ढूंढ लिया था और अब वो यहाँ अकेली थी अमान के साथ। ईमान ने जैसे ही अमान को देखा वो भागने लगी और अमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो और ऐसे भाग रही हो, वैसे मुलाकात के लिए अच्छी जगह चुनी है, अमान ने शरारत से कहा। लेकिन ईमान की जान निकल रही थी अमान को देखकर। और अमान मुझे जाने दो, वो रोने लगी। तुमने क्या रोने का ठेका लिया है? हर वक्त रोती रहती हो, चुप एकदम। और ईमान ने एकदम मुंह पर हाथ रख लिया था। गुड, अच्छा बताओ छुपती क्यों हो मुझसे? अम्मी, ईमान जोर जोर से रोने लगी और अम्मी का नाम लेने लगी। अमान ने एकदम ईमान के मुंह पर हाथ रखा। ये क्या पागलपन है? रशीद चाचा को नहीं जानती क्या तुम, जो मेरे साथ यहाँ से पकड़वाने के प्रोग्राम बना रही हो? मेरा कुछ नहीं मसला, तुम्हें ही होना है। और ईमान अमान की बात सुनकर चुप हो गई। गुड गर्ल, अब काम की बात करें। कि कैसी बात? ईमान ने डरते डरते पूछा। तुम्हारी और मेरी शादी की, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ईमान ने फौरन जवाब दिया। अच्छा, और तुम्हें ये लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी चलने दूंगा, तो इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। मैं शराफत से कह रहा हूँ तो तुम भी शराफत का मुजाहरा करो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, जाने दो मुझे, ईमान ने अमान की बात काटते हुए कहा। अमान ने गुस्से से कहा। ईमान बुरी तरह कांप गई। अच्छा सॉरी, डरो नहीं, इधर आओ मेरे पास। अमान ने ईमान को पास करना चाहा पर वो उसे दूर करने लगी। अमान ने जबरदस्ती ईमान को गले लगा लिया। ईमान तुम मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो, प्लीज पिछली बातें भूल जाओ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ईमान को अमान की कुर्बत से नफरत हो रही थी, वो मुसलसल खुद को छुड़वा रही थी। जब ही बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी तो अमान ने ईमान को छोड़ दिया और वो भाग गई। ईमान रोशनी के पास गई, उसे सब बताया और रोने लगी। अभी मैं क्या करूं? रोशनी परेशान हो गई, कल उसकी मेहंदी थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अच्छा ईमान रो मत, देखो तुम कहीं अकेली मत जाना, सबके सामने वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? रोशनी ने ईमान को तसल्ली दी। जी आपी, ईमान तुम्हें आंटी बुला रही है, मैं आती हूँ। ईमान मम्मा के पास गई तो मम्मा ने उसे डांटा। ईमान कहाँ थी तुम, मैं कब से ढूंढ रही हूँ यूं? तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी है, सब काम तुम्हें मेरे साथ मिलकर करने हैं और तुम पता नहीं कहाँ छुप जाती हो। अमीना बेगम अपनी धुन में कही जा रही थी। जब उन्होंने ईमान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अमीना बेगम के दिल को एकदम से कुछ हुआ। उन्होंने ईमान को गले लगाया और पूछा क्या हुआ है? ईमान तुम डरी क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है? माँ के गले लगाते ही ईमान रोने लगी और कहने लगी मम्मा मुझे छुपाने कहीं, मैं ऐसे मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। ईमान क्या हुआ है मेरी जान, किस बात से तुम्हें डर लगता है? आखिर बताओ मुझे हुआ क्या था उस रात? और जब मम्मा ने उस रात का जिक्र किया ईमान एकदम सीधी हुई। नहीं मम्मा कुछ नहीं, ये कहकर ईमान भाग गई
और अमीना बेगम फिर सोच में पड़ गईं। इन्हें ईमान की बहुत फिक्र रहती थी और उस दिन के बाद तो वो और भी परेशान हो गई थी ईमान के लिए, लेकिन ईमान इन्हें कुछ बता नहीं रही थी। वो जानती थी बहुत कुछ बड़ी बात कुछ बड़ी है, वरना ईमान की ऐसी हालत ना होती। अमीना बेगम ने ईमान को रोशनी के साथ उसके कमरे में बिठा दिया। वो जानती थी ईमान डर रही है किसी चीज़ से और यही हल था। वो रोशनी के साथ रहती, ईमान को बुखार हो गया था। वो माँ थी, इतना जान गई थी। वो इस शादी में किसी से डर रही थी, पर किससे और क्यों, इसलिए उन्होंने ईमान को सबसे दूर रोशनी के पास बिठा दिया था। आज रोशनी की मेहंदी थी और अमीना बेगम और अरोमा काम में लगी थी। अमान ईमान को ढूंढता रहा पर वो नहीं मिली। ये ईमान तो कल से गायब हो गई है, अमान सोचने लगा। चाची ईमान कहाँ है, अमान ने अमीना बेगम से पूछा। पता नहीं बेटा, होगी यहीं कहीं, क्यों कोई काम था। अमीना बेगम अब किसी को ईमान का नहीं बता रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी की भी वजह से उनकी बेटी को तकलीफ हो। अमीना बेगम के जवाब पर अमान को हैरत हुई, फिर कहा, नहीं कुछ चाची, बस वैसे ही देखा नहीं पूछ लिया। तो अब माँ तुम्हें सपोर्ट कर रही है तुम्हारी, पर डोंट वरी, इसका हल भी मेरे पास है, अमान ने सोचा और वो सीधा अपने पापा के पास गया। पापा आपसे कुछ बात करनी है, अमान ने सीरियस होते हुए कहा। हाँ बेटा बोलो, आप आए, अमान इन्हें अलग रूम में ले गया। बाबा आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे दिया। हाँ बेटा, पर इस बात का अभी क्या जिक्र, बाबा मुझे ईमान चाहिए, अमान ने फौरन बोल दिया। बाबा पहले उसे देखते रहे और फिर कहा, बस इतनी बात, अमान ने कहा। जी बाबा ठीक है, मैं रशीद से बात करता हूँ, आज ही करें बाबा, और शादी का भी कहें रोशनी के साथ कर दें। अमान ने सारे फैसले कर डाले। बेटा ये बहुत जल्दी होगा, मैं बात करूँगा रस्म करने, अभी शादी कुछ टाइम में, ठीक है बाबा, अमान कहकर बाहर चला गया। अमान के बाबा ने जब रशीद साहब से बात की तो वो बहुत खुश हुए, सारे खानदान में ऐसा रिश्ता कहीं नहीं था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और कहा रोशनी की शादी के बाद ईमान की शादी करेंगे, अभी ईमान इतनी समझदार नहीं। उन्होंने जैसे ही कहा वो ठीक है। रशीद साहब ने ईमान के रिश्ते की बात जाकर अमीना बेगम से की तो इन्हें पहले हैरत हुई, फिर उन्होंने कहा, मैं ईमान की शादी इतनी जल्दी नहीं करूँगी और इन दिनों उसकी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है, मैं उस पर कोई स्ट्रेस नहीं डालना चाहती। इस बात पर रशीद साहब बिगड़ गए, मेरी जुबान की कोई अहमियत नहीं, मैंने हाँ कर दी है और मेरा फैसला अटल है, जाके कह दो ईमान को तैयारी करे, रोशनी की शादी के बाद उसकी इंगेजमेंट होगी अमान के साथ, और अब मैं कोई बहस ना सुनूं। अमीना बेगम चुप करके वहां से चली गई, लेकिन वो अभी ईमान को कुछ नहीं बताना चाहती थी। मेहंदी का फंक्शन शुरू था, ईमान को बुखार था पर मम्मा के कहने पर वो थोड़ा तैयार हो गई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। फंक्शन ऊपर छत पे था और ईमान अब तक नीचे थी रोशनी के साथ। फिर अमीना बेगम आई, ईमान से कहा, आओ बेटा ऊपर चले, बुरा लगता है, बहन का फंक्शन है, सब बातें करेंगे, मैं कुछ देर में तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगी, ठीक है मम्मा, ईमान उनके साथ चल दी। ईमान बहुत प्यारी लग रही थी, वो जैसे ऊपर गई सब उसे देखने लगे, अमान भी उसे देखे जा रहा था। ईमान की नज़र जब अमान पर पड़ी तो उसके हाथ की गिरफ्त मम्मा के हाथ पर तेज़ हो गई और मम्मा ने देखा कि वो अमान को देखकर डर रही थी। वो ईमान के आगे आ गई ताकि अमान उसे ना देख पाए। और फिर पूरे फंक्शन में अमीना बेगम ईमान के साथ रही और अमान का गुस्सा साथ में आसमान पर था। ईमान कब तक छुपोगी मुझसे, आखिर समझती क्यों नहीं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर, और अब तुम्हारी मम्मा मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, एक मिनट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, अमान को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। आज शादी थी रोशनी की और वो पार्लर गई हुई थी, ईमान को अमीना बेगम ने अपने साथ रखा हुआ था, कहीं अकेला नहीं छोड़ रही थी और ईमान भी इस बात से रिलैक्स थी। वहां अमान का गुस्सा से बुरा हाल था, उसे एक मौका नहीं मिला था ईमान से बात करने का। पूरी शादी में अमान की नजरें ईमान पर थी और जब ईमान देखती तो मम्मा के पीछे छुप जाती और मम्मा ये सब नोट कर रही थी, जिस बात का इल्म ना ईमान को था ना अमान को। रुखसती के वक्त अमीना बेगम रो रही थी, ईमान भी रो रही थी, इस वक्त इनका ध्यान ईमान की तरफ नहीं रोशनी की तरफ था जो बुरी तरह रोए जा रही थी। उसी वक्त की तलाश अमान को भी थी। ईमान अपने धुन में रो रही थी जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह पे हाथ रखकर साइड में ले गया था। ईमान आंखें फाड़े देख रही थी, अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे अमान का चेहरा करीब आया वो चीखने लगी कि अमान का हाथ उसके मुंह पर था। चुप करके ठहरी रहो ईमान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ईमान एकदम सहम गई और हिचकियां लेने लगी। अमान ने ईमान का चेहरा हाथ में लिया तो उसने झटक दिया, पर अमान ने दोबारा पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल तो करता है कि तुम्हें अभी ले जाऊं, ईमान रो रही थी। अमान ने ईमान के आंसू साफ किए, यार कितना रोती हो तुम, देखो जरा अपनी हालत, बुखार है तुम्हें फिर भी रोए जा रही हो, जाने दो प्लीज मुझे, ईमान बस यही कह पाई, क्यों पागल दिखाई देता हूँ, इतनी मुश्किल से हाथ आई हो और जाने दूंगा, एक तो आजकल अमीना चाची को पता नहीं क्या है, तुम्हारी गार्ड बनी हुई है। अमान मुझे छोड़ दो, ईमान ने फिर एक बार लाचारी से कहा, एक शर्त पर। अमान ने ईमान के हाथ दीवार से लगाए, क्या शर्त, ईमान परेशान हुई, तुम्हें तुम्हारे ये प्यारे होंठ मेरे गाल पे रखने होंगे। ईमान की आंखें फट गईं, कभी नहीं करूंगी मैं ऐसा, ईमान ने चेहरा दूसरी साइड किया,
जो अमान ने उसी वक्त अपनी तरफ करते हुए कहा, ठीक है फिर मैं करूंगा, और मेरी तो गारंटी भी नहीं कि गाल से कहाँ चला जाऊं। अमान ने शरारत से कहा और ईमान के और करीब आ गया। छोड़ो अमान, मुझे जाने दो। ईमान तड़पने लगी। अमान उसके करीब आया और अपने होंठ ईमान की गाल पर रख दिए। ईमान की सांसें रुक गईं। उसने तड़प कर अमान को देखा और धक्का दिया और रोने लगी। अमान हंसने लगा, अच्छा रो मत, अब जाने देता हूँ, पर एक बार गले मिल लूँ। और फिर अमान ने ईमान को गले लगाया और कहा, आई लव यू सो मच, तुम जानती नहीं ईमान, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अमान पूरी शिद्दत के साथ कह रहा था, जबकि ईमान बस वहाँ से जाना चाहती थी और अमान ने उसे जाने दिया। अमीना बेगम ने जब ईमान को गायब देखा तो परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। जब ईमान इन्हें रोती हुई आती दिखाई दी, अमीना बेगम एकदम उसकी तरफ लपकी। ईमान क्या हुआ है तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है? और ईमान उनके गले लग गई। ईमान, अमान ने तुम्हें कुछ कहा है? अमान के नाम पर ईमान एकदम सीधी हो गई और मम्मा को देखने लगी। वो माँ थी, समझ गई कि मसला अमान का ही है। वो चुप हो गई और ईमान को चुप करवा कर अंदर ले गई। रोशनी की रुख्सती करवा कर जरीना चची के घर ले गए थे, क्योंकि रात के वक्त बारात नहीं रवाना हो सकती थी और अरसलान साहब ने सबको रोका था कि अमान की इंगेजमेंट के बाद सब जाएंगे। अमीना बेगम ने फिर से रशीद साहब से बात की ईमान के रिश्ते के बारे में, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कल की डेट रख दी इंगेजमेंट की। ईमान इस बात से बेखबर थी और अमीना बेगम परेशान थी कि ये बात उसे कैसे बताएंगी। जब रशीद साहब की आवाज़ उनके कानों में गूंजी, सुने आपने ईमान को बता दिया है? अमीना बेगम ने नफी में सर हिलाया। क्या करती हैं आप बेगम, कल उसकी मंगनी है और उसे ही नहीं पता, बुलाएं उसे। नहीं, मैं बता दूंगी खुद, अमीना बेगम ने फौरन कहा। आपने बताना होता अब तक आप बता देती, अब बुलाए उसे या मैं खुद जाऊं उसके रूम में, मैं बुलाती हूँ। ये कहकर अमीना बेगम ईमान के रूम में उसे बुलाने गई और उसे अपने साथ लेकर आई, और वो नासमझी की कैफियत में अपने मम्मा पापा को देख रही थी। रशीद साहब ने ईमान को साथ बैठने को कहा और वो अपनी मम्मा को देख रही थी, जो इस वक्त खुद बहुत परेशान थी। ईमान, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर ईमान के होश उड़ गए, आंखों में आंसू आ गए, पर अपने पापा के सामने कुछ कह नहीं पाई, बस बेबसी से अपनी मम्मा को देख रही थी, जो खुद बेबस थी। लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रशीद साहब की आवाज़ पर ईमान का सत्ता टूटा। बाबा मैं अभी, उसने यही कहा था कि रशीद साहब पहले बोल उठे, खबरदार ईमान कोई फजूल बात की, शादी ना करने की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना अच्छा रिश्ता गंवाना पता नहीं कैसे। अरसलान भाई ने अमान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा, मेरी तो इस वक्त खुशी से हालत हो गई, जिसके लिए पूरा खानदान आस लगाए बैठा था, वो खुद हमारे पास आए। रशीद साहब बोले जा रहे थे और ईमान ने अमान का नाम सुनकर सदमे की हालत में माँ को देख रही थी। मम्मा, बाबा क्या कह रहे हैं? ईमान ने बेबसी से मम्मा से पूछा। मम्मा मैं कभी अमान से शादी नहीं करूंगी, प्लीज़ बाबा से कहे ना आप। माँ को चुप देखकर ईमान बाबा की तरफ लपकी। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे अमान से शादी नहीं करनी, प्लीज़ बाबा। ईमान बाबा के आगे हाथ जोड़े खड़ी रो रही थी। ईमान जाओ यहाँ से, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, जाकर तैयारी करो। मम्मा प्लीज़ बाबा से कहें मुझे अपने हाथों से मार दें, पर अमान से शादी ना करें। ईमान बहुत रो रही थी। रशीद साहब के दिल को कुछ हुआ, पर वो जानते थे अरसलान भाई को हाँ करके मना करना बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने ईमान को कहा जाओ अपने कमरे में और कल तैयार रहना इंगेजमेंट के लिए, और अब कोई बहस ना सुनूं मैं। बाबा ईमान तड़प कर रह गई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। ईमान, रशीद साहब और अमीना बेगम दोनों उसकी तरफ भागे। डॉक्टर क्या हुआ है ईमान को, रशीद साहब ने डॉक्टर से पूछा। इन्हें किसी बात का इतना स्ट्रेस है, डॉक्टर के सवाल पर रशीद साहब को चुप हो गए, जिस पर डॉक्टर ने इन्हें कहा देखें इन्हें हर स्ट्रेस से दूर रखें, कहकर डॉक्टर चले गए और रशीद साहब सोच में पड़ गए कि अरसलान भाई को कैसे मना करेंगे। ईमान दवाइयों के जेरे असर सो रही थी, अमीना बेगम उसके पास बैठी थी। रशीद साहब अरसलान साहब के पास गए और वो इस वक्त होटल में थे, अमान भी उनके साथ था और बाकी सारी बारात जरीना बेगम के घर थी। कल तक बारात को वहीं रुकना था, क्योंकि अमान और ईमान की मंगनी की बात चल रही थी। भाई साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रशीद साहब की नज़रें नीचे करते हुए कहा था। इससे पहले वो कुछ कहते अरसलान साहब ने कहा, रशीद ऐसा कुछ मत कहना कि मुझे अपना लहजा सख्त करना पड़े। ईमान मेरे बेटे की खुशी है और मैं अपने बेटे की कभी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देता। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ, ईमान को बेटी बनाकर रखूंगा। अब तुम कहो क्या कहने आए हो। रशीद साहब बहुत परेशान हो गए। भाई साहब असल में ईमान की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बेहोश है और जब तक वो ठीक नहीं होती हम मंगनी की बात रोक सकते हैं, सब आपस में है। अमान भी सारी बात सुन रहा था और वो जो इतना खुश था सारी खुशी धरी की धरी रह गई। वो गुस्से से उठकर चला गया और सलमान साहब अमान के लिए परेशान हुए, पर अगर ईमान बेहोश थी तो मंगनी हो नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गए, क्योंकि अमान की फरमाइश थी कि वो ईमान को सबके सामने रिंग पहनाए। अब वो खाली रस्म नहीं कर सकते थे, इसलिए इतना कहा, ईमान ठीक हो तो बताएं हम आ जाएंगे फिर रस्म करेंगे, और रशीद साहब जी कहकर चले गए। बारात को जाने का कह दिया अरसलान साहब ने, यह कहकर ईमान की तबीयत की वजह से कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दी गई है मंगनी की तकरीब, और बारात भी रवाना हो गई। अमान का गुस्से से बुरा हाल था, उसे पता था ईमान की तबीयत क्यों खराब है। अरसलान साहब
अमान के पास आए और कहा, बेटा हम भी चलें, मैं ड्राइवर को कॉल कर दूं। नहीं बाबा, अमान फौरन बोला, आप जाएं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। बेटा ईमान ठीक हो जाए, हम आएंगे, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, मेरा वादा है ईमान की शादी तुमसे ही होगी। बाबा ईमान की शादी मुझसे ही होगी, लेकिन ये लोग शराफत से नहीं मानेंगे। गलत बात है बेटा, रशीद ने मुझे हाँ कह दी है और हमारे पास हाँ के बाद ना नहीं होती, इसलिए तुम फिक्र मत करो। बाबा आप नहीं जानते, बच्चों के लिए इंसान ना भी करता है, जैसे आप मेरे लिए सब कर सकते हैं, उसके मामा बाबा भी करेंगे। अरसलान साहब समझ गए थे, लेकिन वो चुप इसलिए थे। ईमान ठीक हो जाए फिर बात करेंगे। बाबा आप और मम्मा जाएं, मैं कुछ दिन तक आऊँगा, पर किसी को पता ना हो कि मैं यहाँ हूँ। आप सबसे यही कहना कि आपके साथ जा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या करने का इरादा रखते हो आप? कुछ नहीं पापा, आप बस वही करें जो कहा है। और अरसलान साहब की बेटे के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी, इसलिए ठीक है कहकर चले गए अमान की मम्मा के साथ। अमान को यहाँ एक हफ्ता हो गया था, वो इसी इंतज़ार में था। ईमान बाहर निकले। ईमान अब ठीक थी और खुश भी कि उसके पापा ने उसकी बात मान ली थी और वो वापस दुबई चले गए थे, और यहाँ सबको यही पता था अमान चला गया है वापस। ईमान खुश थी और उसे देखकर उसकी मम्मा भी खुश थी। ईमान आपकी कॉल आ रही है। अरुमा ने ईमान का मोबाइल लाकर ईमान को दिया था, सोनिया की कॉल थी। सोनिया ईमान से डरने लगी कि वो उसे मिलती नहीं। आज रात सोनिया की इंगेजमेंट थी और वो ईमान को बुला रही थी। ईमान की उसे अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। वो तैयार हो रही थी और उसकी मम्मा उसे प्यार से देख रही थी। उन्होंने अरुमा को कहा साथ जाने का और वो सो गई। वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए इन्हें अब फिक्र थी कि ईमान अकेली कैसे जाएगी। जब ईमान ने कहा, मम्मा परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी, पिछली गली में ही तो है घर। बेटा ख्याल से जाना। जी मम्मा, कहकर ईमान घर से निकल गई। ईमान अपनी धुन में जा रही थी जब किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसके बाद वो होश की दुनिया से बेगाना हो गई। अमान जो कितने वक्त से मौके की तलाश में था, वो मौका उसे आज मिला था और उसने ईमान को गायब कर दिया था। अमान ने वहाँ एक फार्म हाउस ले लिया था, वो ईमान को वहीं ले गया। ईमान बेहोश थी। अमान ने एहतियात से ईमान को बेड पर लिटाया और खुद बाहर चला गया डोर लॉक करके। वो 8 बजे गई थी, अब रात का 1 बज रहा था और वो अब तक घर नहीं आई थी। अमीना बेगम को फिक्र होने लगी। चलो दोस्त है पर इतनी देर नहीं करनी चाहिए, वो भी अकेली। उन्होंने कहा था ईमान से कि वापसी पर सोनिया की अम्मी से कहना तुम्हें गली पार करवा देंगी, और उसने कहा था ठीक है मम्मा, और अब तक वो नहीं आई थी, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। आखिर उन्होंने सोनिया की मम्मा को कॉल की और उनका जवाब सुनकर तो अमीना बेगम के होश उड़ गए कि ईमान मंगनी में आई ही नहीं। उनके हाथ से फ़ोन छूट गया और वो खुद को कोसने लगी कि इन्हें ईमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो रोने लगी। लेकिन किससे बात करती, किससे मदद मांगती? इन्हें पता था ईमान को गायब करने में अमान का ही हाथ होगा। उन्होंने सीधा अमान को कॉल की। अमीना बेगम की कॉल देखकर अमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हेलो सासू माँ, इस वक्त कैसे याद किया? अमान, ईमान कहाँ है? कौन ईमान? अमान ने एक्टिंग की। ओह अच्छा, आपकी बेटी, मेरी बीवी। वो मुझे क्या पता, मैं मुल्तान हूँ पर जल्द आऊँगा लेने उसे। अमान की बात पर अमीना बेगम हैरान रह गई कि अगर ईमान अमान के पास नहीं तो कहाँ है फिर? ईमान को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां लाइट के नाम पर एक 0 बल्ब का जल रहा था। इससे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब मुकम्मल होश आया तो उठकर दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से बजाने लगी। खोलो, कौन है? निकालो मुझे यहाँ से, मुझे घर जाना है। वो कितनी देर ऐसे ही बजाती रही, बजाते बजाते उसके हाथों में दर्द पड़ गया। फिर अमान जो साथ वाले कमरे में सो रहा था दरवाजा खोलकर अंदर आया। ईमान तुम्हें सुकून नहीं है, रात के 4 बजे लोगों को उठाती हो। अमान को देखकर ईमान कांप कर रह गई और एकदम पीछे होकर खड़ी हो गई। अब प्लीज रोना मत, सुबह बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है और तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा कि तुम मेरी नींद ना खराब करो। अमान ये कहकर वापस सोने चला गया और ईमान वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। अमान जब सुबह उठा तो उसे याद आया कि वो कल ईमान को ले आया था, और ये एहसास उसे खुशी दे रहा था कि वो अब ईमान को पालेगा, ईमान अब उसकी होगी। और वो उठकर ईमान के रूम की तरफ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, ईमान दरवाजे से टेक लगाए सोई हुई थी। अमान वहीं नीचे बैठकर ईमान को देखने लगा। कितना मिस किया तुम्हें, तुम्हें अंदाजा भी है ये अमान तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा है। अमान ने ईमान के चेहरे पर आए बालों को हटाया तो वो उठ गई और उसे खुद के इतने पास देकर एकदम सिमट कर बैठ गई। अमान उसे देख रहा था और ईमान बहुत डरी हुई थी। ईमान, उसने उसे पुकारा और ईमान ने उसे नहीं देखा, बस डर से नजरें नीचे किए बैठी थी। ईमान, उसने एक बार फिर पुकारा और उसका चेहरा ऊपर करने लगा तो ईमान ने हाथ झटक दिया। मुझे घर जाना है, ईमान ने कांपती आवाज के साथ कहा। नहीं जा सकती, अमान ने दिलचस्पी से ईमान को देखते हुए जवाब दिया। ईमान ने तड़प कर अमान को देखा था। आप क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? उसने हैरत से उसे देखा था। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जाने दे प्लीज। ईमान, देखो मैं वही हूँ जिसे तुम्हें मोहब्बत हुई थी। प्लीज देखो, मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलत था। प्लीज मुझे अब माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे इस बात का एहसास थोड़ा देर से हुआ,
वरना कभी मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईमान अमान की सारे बातें सुनकर चुप रही। उसे अमान पे अब भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि माफी वो पहले भी मांग चुका था और उसके बाद जो उसने किया उसका आज भी ईमान सोचकर कांप जाती। तो वो अब कैसे अमान को माफ कर सकती थी? अमान के इतना सब कहने के बाद ईमान ने बस इतना कहा कि मुझे घर जाना है। अमान को फिर से गुस्सा आ गया। नहीं जाने देता, कर लो अब जो करना है, ये कहकर वो बाहर चला गया और दरवाजा लॉक कर दिया। अमीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने रशीद साहब को भी बता दिया था, वो भी रवाना हो गए थे। ईमान कल रात से गायब थी और अमीना बेगम का दिल बैठा जा रहा था। अमान वापस आया तो उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें वो अपना और ईमान का नाश्ता लाया था। ईमान अब तक वहीं बैठी थी। अमान ने नाश्ता टेबल पर रखा और ईमान के पास आया। ईमान उठो, आओ नाश्ता करो। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर गुस्से से कहा, ईमान तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या बकवास की है मैंने? और खबरदार जो मुझसे कोई फजूल बहस करने का सोचा भी है। शराफत से चलकर नाश्ता करो, वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा। और ये सब सुनकर ईमान अपनी जगह सहम गई। ईमान अमान ने फिर गुस्से में कहा तो ईमान एकदम उठ गई। मुझे भूख नहीं है। अमान का पारा चढ़ गया। वो जैसे ही ईमान के पास आने लगा वो फौरन ही बोली, नहीं मैं खाती हूँ। और अमान को हंसी आने लगी पर उसने जाहिर नहीं किया। ईमान नाश्ता करने बैठी, अमान भी उसके साथ बैठा। ईमान से खाया नहीं जा रहा था और उसने एक दो लुकमे के बाद बस कर दी तो उसने उसे जूस दिया, ये पी लो। ईमान ने जबरदस्ती आधा ग्लास पिया। वो जानता था इस वक्त ईमान से खाया नहीं जाएगा, इसलिए उसे जूस पिला दिया था। अमान ने जब नाश्ता कंप्लीट किया तो वो बर्तन खुद बाहर ले गया। वो मेड ड्रग की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अमान वापस आया तो वो नीचे बेड के पास बैठी थी। तुम्हें बेड पर बैठने से मना किया है किसी ने? कभी दरवाजे पर बैठी होती हो, कभी बेड के पास नीचे, मतलब तुमने ऊपर नहीं बैठना। ईमान चुप रही। अमान पास आया और कहा, ईमान ने सर उठाकर कहा, मुझे घर जाना है। उस अमान ने सर आह भरी, चली जाना बस पहले एक काम हो जाए। क्या काम? ईमान डर गई थी। ऐसा कुछ नहीं मेरी जान, अब गलत कुछ नहीं करूंगा। फिर मुझे जाने दो ना प्लीज, ईमान ने आज से कहा। जाने दूंगा, पहले आज हमारा निकाह हो जाए फिर तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा। निकाह की बात पर ईमान की आंखें खुली रह गई। निकाह? ईमान हकलाई थी। हाँ मेरी जान, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी कभी भी। अच्छा तो फिर ऐसे ही रहना है यहाँ हमेशा के लिए? और ज्यादा दिन तो मैं भी शराफत का मुजाहरा नहीं कर सकता, ये तुम भी जानती हो। तो अच्छा होगा तुम शराफत से निकाह कर लो मुझसे। मैंने ऐसे सारे इंतजाम कर लिए हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अमान मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ईमान जोर जोर से रोने लगी। अमान के दिल को कुछ हुआ पर वो पत्थर बना रहा। ईमान तुम लगता है कोई बात शराफत से नहीं मानोगी, तुम निकाह करोगी या मैं तुम्हें निकाह के बगैर ही पालूं? अमान की बात पर ईमान तड़प उठी। अमान प्लीज ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर शाम तक तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो, और अगर निकाह कर लोगी खुद तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा, वरना पूरी जिंदगी अपने घर वालों की शक्ल तक तुम देख नहीं पाओगी। अमान कहकर जाने लगा तो ईमान ने कहा, मुझे मंजूर है। उसने बेबसी से कहा था लेकिन अमान बहुत खुश हुआ। उसी शाम ईमान मिसिज अमान बन गई थी। ईमान का दिल जानता था उसने कबूल है कैसे कहा, लेकिन वो घर जाना चाहती थी और उसे पता था कभी ऐसे नहीं जाने देगा। ईमान रो रही थी जब अमान रूम में आया। उसे रोते देखकर उसके पास आया और कहा, इतना कैसे रो लेती हो यार तुम? मतलब अगर तुम्हारे आंसू जमा किए जाएं तो मुल्क में सैलाब आ जाए। अब जाने दो मुझे, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, अब कैसे जाने दो? अब तो तुम मेरी बीवी हो। ईमान एक दिन दम सहम गई। अमान तुमने कहा था तुम छोड़ आओगे, मुझे मजाक किया था मेरी जान, वरना तुम निकाह नहीं करती। और ईमान आंखें फाड़े अमान का धोखा देख रही थी। अच्छा अब ऐसे भी ना देखो, कुछ कुछ होता है और अब तो तुमसे जायज रिश्ता भी है, अमान ने शरारत से कहा। लेकिन ईमान की सांस रुक गई। अमान मुझे घर जाना है, वो फिर रोने लगी। अच्छा कुछ शर्तों पर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्या शर्त? ईमान ने अमान की तरफ देखा था। अभी इस निकाह का तुम किसी को नहीं बताओगी, प्रॉपर शादी होगी हमारी और तुम अब शादी के लिए मना नहीं करोगी। और दूसरा, ये जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तुम बात करोगी। आई बात समझ में? ईमान बस इतना ही कह पाई, जी कुर्बान जाऊं अभी से बीवी वाली अंदाज। अमान हंसने लगा, मुझे जाने दे अब। और एक बात और, तुम घर ऐसे नहीं जाओगी, तुम मेरे प्लान के तहत जाओगी। प्लान? ईमान ने हैरत से अमान को देखा। हाँ तुम सबको ये बताओगी कि तुम्हारा उस रात एक्सीडेंट हुआ था और तुम 2 दिन बेहोश थी, आज होश में आई हो तो घर का एड्रेस बताया है। और मेरी एक मेड है, वो कहेगी कि वो तुम्हें हॉस्पिटल लाई है। और सुनो अगर कोई चालाकी की तो मैं फिर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को भी बहुत बुरा हशर कर दूंगा। मैं जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगी, प्लीज इन्हें कुछ मत करना। अब प्लीज मुझे जाने दो। एक आखिरी बात, पास आओ,
हग करो और मेरे गाल पर अपने होंठ रखो, फिर तुम्हें छोड़ आऊंगा। नहीं प्लीज़ ऐसा नहीं करना मुझे, ईमान दूर हुई करना तो पड़ेगा, और अब तो और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब तो तुम बीवी हो मेरी, सोचो जब मैं पहले तुम्हें नहीं छोड़ता था तो अब छोड़ूंगा। ईमान डर कर दूर होने लगी, कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी आओ यहाँ मेरे पास। ईमान और दूर हो गई, अमान उसके करीब गया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ईमान तड़पने लगी, अब डरना छोड़ो मेरी जान, प्यार करना सीखो। अमान ने ईमान को प्यार किया और ईमान रोने लगी। अमान ने सर आह भरी, उफ अच्छा चलो हॉस्पिटल, और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। अमान अपने प्लान के मुताबिक ईमान को अपनी मेड के साथ हॉस्पिटल छोड़कर चला गया, और वहाँ से उस मेड ने घर कॉल की तो ईमान की मम्मा बाबा और अरुमा सब आ गए। ईमान माँ को देखकर उनसे लिपट गई, माँ भी रो रही थी और बाबा भी साथ खड़े ईमान के सर पर हाथ रखे थे। अरुमा अपनी बहन के गले लगी थी, वो सब घर आ गए थे। ईमान सो रही थी और मम्मा उसके साथ बैठी थी और शुक्र कर रही थी कि ईमान की चोटें नहीं आईं, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें कहा था ईमान डर से 2 दिन बेहोश थी, इसे चोटें नहीं आईं, और वो इस बात से खुश थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी बेटी अंदर से कितनी चोटें बर्दाश्त करके आ रही है। अमान को वापस मुल्तान जाना था और वो चाहता था ईमान से मिलकर जाए। उसने ईमान को कॉल की जो उसने 2 बार रिसीव नहीं की, तीसरी रिंग पर कॉल रिसीव की। हेलो, ईमान ने कहा। हेलो की बच्ची कहाँ थी, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? पता नहीं, ईमान ने रुखा सा जवाब दिया, तुमने कसम खा रखी है मेरा दिल जलाने की। अमान ने तप कर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ईमान ने कहकर कॉल रख दी। अमान ने फिर कॉल की और ईमान ने नहीं उठाई। अमान ने मैसेज किया, ईमान शराफत से कॉल उठाओ वरना तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, और फिर कॉल की जो ईमान ने उठा ली। क्यों काटी कॉल, मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात, प्लीज़ बख्श दें मुझे, अब नहीं बख्श सकता, अब काम की बात करें, अमान ने सख्ती से कहा। ईमान चुप रही, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, अमान कहकर चुप हो गया। ईमान के दिल में खुशी की लहर दौड़ी, ज़्यादा खुश ना हो, 1 हफ्ते बाद मम्मा बाबा आएंगे और सब आएंगे मंगनी करने, और इस बार कोई भी गलती मत करना ईमान, वरना कानूनन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें उसी वक्त ले जाऊँगा। नहीं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप ये सब, ईमान ने कहा। ये जल्दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वक्त कैसे गुजारूंगा, और तुम्हें जल्दी लग रही है। अमान प्लीज अभी नहीं, ईमान ने मिन्नत की। ईमान चुप रहो, एकदम जितना कहा है उतना किया करो, और अभी बाहर आओ घर से, मैं गाड़ी में हूँ, मुझसे मिलो आके, मैं तुमसे मिलकर जाना चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं आ सकती, ईमान के चेहरे पर खौफ के साए दौड़ गए। तुम आती हो या मैं आऊँ पुलिस के साथ? अमान आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बात तुम आओ, तुम्हें सामने उससे बताता हूँ कि क्या बिगाड़ा है तुमने, आओ जल्दी। और ईमान बेबसी से रोने लगी, उसकी आंखें लाल हो गई। बाहर गई तो अमान की गाड़ी सामने देखी, मरते कदमों के साथ ईमान गाड़ी की तरफ बढ़ी। अमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ईमान को बैठने को कहा और ईमान ने मना कर दिया। अमान खुद बाहर आया और ईमान को देखने लगा, कितने नखरे हैं आपके मैडम, मुझे कोई जब किसी बात का मना करता है मेरा खून खौल जाता है। अमान ईमान को देख रहा था और अमान की बात पर ईमान ने डरकर अमान को देखा। नहीं तुम्हें कुछ नहीं करता, डरो मत। ईमान मुझे कहो ना कि तुमने ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं करती, ईमान ने फौरन कहा। अमान ने ईमान का हाथ पकड़ा और कहा, शौहर हूँ तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करो। वो हाथ छुड़वाने लगी, उसने गिरफ्त और तेज कर दी। ईमान की आह निकल गई और उसने गिरफ्त फिर ढीली कर दी। उसने ईमान को गले लगाया और बाय कहकर चला गया। ईमान घर चली गई। अमान मुल्तान पहुंच गया था और आराम कर रहा था। ईमान ने सुकून का सांस लिया। उसकी मम्मा ने बहुत बार उसे पूछा कि वो क्यों परेशान है, पर उसने नहीं बताया। बाबा मैं चाहता हूँ आप रशीद चाचा से अब बात करें। ईमान ठीक है अब? हाँ बेटा मैं करता हूँ। अमान ने उसी वक्त मोबाइल निकाला और कहा, लें बाबा अभी करें। अरसलान साहब को अमान की इस हरकत पर बहुत हंसी आई। बहुत चाहते हो ईमान को, उन्होंने पूछा, बहुत से भी ज़्यादा बाबा, अब बात करें। अच्छा मेरा बेटा भी अभी करता हूँ। उन्होंने कॉल मिलाई तो रशीद साहब ने कॉल नहीं उठाई। उन्होंने कई बार कॉल की पर उन्होंने नहीं उठाई। अरसलान साहब को बहुत गुस्सा आया और अमान की भी यही हालत थी। उसने उसी वक्त रूम में जाकर ईमान को कॉल मिलाई। ईमान ने पहली बार में नहीं उठाई। अमान का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने ईमान को कॉल की। ईमान ने इस बार कॉल उठा ली। एक बार में कॉल क्यों नहीं उठाती तुम? मैं बाहर थी, ईमान ने बस इतना कहा। तुम्हारे ये सारे बहाने 1 मिनट में ठीक कर देने हैं मैंने, मुझे बुराई पर मत उकसाओ ईमान, वरना तुमसे बेहतर और कौन जानता है कि उस रात रोशनी ना आती तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर चुका होता। ईमान पूरी तरह सहम गई थी। अब चुप क्यों हो? अमान ने गुस्से से कहा। वो मैं बाबा कहाँ है तुम्हारे? तुमने अब तक बाबा को रिश्ते की हाँ नहीं की? ईमान तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वॉट? अमान का गुस्सा बढ़ गया। क्या कहा तुमने? अमान को ईमान की अकल पर शुबा हुआ। अमान मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ईमान ने पूरी हिम्मत जमा करते कहा। शादी हो चुकी है तुम्हारी मुझसे, अमान ने चीख कर कहा। वो तो ज़बरदस्ती था, मैं उसको नहीं मानती, मुझे तुम आज़ाद कर दो। उसे गहरा झटका लगा। ईमान मुझे लगता है कि मुझे तब तक तुम्हें रिहा नहीं करना था जब तक तुम मेरे 2 बच्चों की माँ ना बन जाती, पर डोंट वरी अब तुम्हें मैं ऐसे ही ले जाऊँगा और फिर कभी तुम अपने मामा बाबा से नहीं मिल पाओगी। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो रोने लगी।
तुमने खुद मजबूर किया है मुझे ये सब करने पर। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं अमान, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। वो रोने लगी। जाओ अभी अपने पापा से कहो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। पर ईमान मिलमिलाई, जाओ। अमान ने तेज लहजे में कहा तो ईमान सहम गई। जा रही हूँ। ईमान डरते हुए बाबा के पास गई। बाबा मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा आओ। बाबा मुझे रिश्ता मंजूर है, आपने जहाँ भी किया है। रशीद साहब ने ईमान की तरफ देखा और फिर अमीना बेगम की तरफ। उनकी हैरत का आलम ना था। बेटा अचानक ये फैसला, बाबा बस आप प्लीज़ रिश्ते के लिए हाँ कर दें। बेटा मुझे तो पहले भी कोई एतराज़ नहीं था। अमीना बेगम एकदम ईमान की तरफ लपकी। ईमान सच बताओ मुझे क्या हुआ है, तुमने अचानक हाँ क्यों कही है? मम्मा मुझे कभी तो शादी करनी है, तो बाबा की पसंद में क्या गलत है? आप ही भी वही हैं। अमीना बेगम चुप करके ईमान को देखने लगी, जबकि रशीद साहब बहुत खुश हुए। मैं आज ही अरसलान भाई से बात करता हूँ, ईमान ये कहकर चली गई और वॉशरूम में जाकर खूब रोई। अमान बहुत खुश था, ईमान के घर से हाँ हो गई। अगले हफ्ते एंगेजमेंट रखी गई थी, दिन सिंह के बाद डिसाइड करने को कहा गया था। ईमान चुप थी, उसकी मम्मा परेशान थी। इन्हें अब तक समझ नहीं आया ईमान राजी कैसे हुई। अमान और उसके घर वाले आ चुके थे और बाकी सब रास्ते में थे। सबकी रिहाइश का इंतजाम छत पर किया गया था। ईमान को जैसे पता चला अमान आ गया है, उसे घबराहट होने लगी। उसका डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था अमान से। अमान मौका देखकर अंदर रूम में गया जहाँ ईमान थी। ईमान सोई हुई थी। अमान उसके बराबर में बैठ गया और उसे देखने लगा और फिर एकदम झुका और ईमान के गालों पर अपने लब रख दिए। ईमान थोड़ा कसमसाई, अमान झुका रहा। उसके बाद अमान ने ईमान के लबों पर लब रख दिए और वो फिर कसमसाई। अमान को किसी के आने की आवाज़ आई तो सीधा हुआ और ईमान को प्यार करके वापस चला गया। वो वैसे ही सोई रही। ईमान उठ जाओ, तुम्हारी मंगनी है कल, और गधे घोड़े बेच के सो रही हो। जब तक ईमान का मोबाइल भी बजने लगा। ये लो तुम्हारा मोबाइल भी बजने लगा। अरे ये क्या, ये तो अमान भाई की कॉल है। ईमान को पसीने आने लगे। ये लो बात करो मैं फिर आती हूँ। अमान की कॉल लेना ईमान की मजबूरी बन गई थी अब। हेलो, ईमान ने पसीना साफ करते हुए कहा। कैसी हो स्वीटू? अमान ने प्यार भरे लहजे में कहा। ठीक हूँ। कमाल है, मेरे इतना सब करने के बाद भी तुम ठीक हो। अमान हंसने लगा और ईमान ना समझी की कैफियत से पूछने लगी। क्या मतलब, क्या किया है आपने? वो हंसने लगा। बहुत कुछ, अमान ने कहा। क्या क्या? ईमान परेशान होने लगी। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे मीठा खाना है, जल्दी लेकर आओ मेरे लिए। लेकिन मैं कैसे? ईमान ने कहा। जैसे आते हैं 2 मिनट के अंदर आओ। पर 2 मिनट में कैसे बनेगा? ईमान को परेशानी हुई। तुम आ जाओ, मैं खुद बताऊँगा 2 मिनट में कैसे बनता है। ईमान हैरत से मोबाइल को देखकर सोच में पड़ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं कहकर ईमान ने फ़ोन काट दिया। ईमान को तैयार रोशनी ने किया था और रोशनी जब से आई थी ईमान से हाँ की वजह पूछ रही थी। पर ईमान ने इस बार रोशनी को भी कुछ नहीं बताया। रोशनी ने जब ईमान को तैयार कर लिया तो वो खुद ईमान को देख नहीं पा रही थी कि कहीं उसी की नज़र ना लग जाए। ईमान को, ईमान बहुत खूबसूरत लग रही हो। ईमान बस मुस्कुरा कर रह गई थी। इतने में और कजन्स भी आ गईं। रोशनी, ईमान को लेकर आओ, आंटी कह रही हैं। और ईमान को घबराहट की वजह से पसीने आने लगे। उसने रोशनी का हाथ जोर से थामा। रोशनी जानती थी ईमान कोई बात छुपा रही है, पर जब तक वो नहीं बताएगी रोशनी कुछ नहीं कर सकती थी सवाए उसे ऐसे देखने के। अभी भी वो ईमान की हर हर हरकत नोट कर रही थी पर चुप थी और अब कुछ कह भी नहीं सकती थी। ईमान ने खुद को हाँ की थी और उसे बाबा का पता था। एक बार हाँ करके वो कभी बात वापस नहीं लेते। ईमान को लेकर वो छत पर आ गई। मंगनी का फंक्शन छत पर रखा गया था क्योंकि ईमान ने हाल का मना कर दिया था और अमान वैसे ही कह रहा था जैसा ईमान कह रही थी। अरसलान साहब ने एक दफ़ा फिर हाल का कहा, पर बेटे के आगे उनकी एक ना चली। अमान की मम्मा बहुत खुश थी। उन्होंने ईमान को आते देखा तो उसे लेने के लिए आगे गई। अमान ने जब ईमान को देखा तो देखता रह गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था, जो देखता देखता रह जाता। ईमान को अमान के बराबर में लाकर बिठाया गया था। उसने ईमान के कान में सरगोशी की। ईमान कसम से आज तुम मेरा ईमान खराब कर रही हो। अमान ने ईमान का हाथ पकड़ लिया जिसे वो छुड़ाने लगी थी। ईमान जो पहले इतनी डरी हुई थी अमान की बातों ने उसे और डरा दिया था। अमान छोड़ो मेरा हाथ, वो रोने जैसी हुई। ईमान कसम से रोना मत आज, वरना एक थप्पड़ रख कर देनी है अब तुम्हें। अमान की इस बात पर उसके आंसू निकल आए थे। उफ अच्छा नहीं मारता, रो मत। ईमान अब भी हाथ छुड़ा रही थी पर अमान की गिरफ्त सख्त थी। मंगनी की रस्म शुरू होने की बात चली तो अमान ने हाथ छोड़ दिया और अमान ने ईमान को रिंग पहनाई। अब ईमान की बारी थी। अमान कब से हाथ आगे किए था और ईमान ने अब तक नहीं पहनाई थी। जब अमान की आवाज़ पर एकदम पहना दी और सब तालियां बजाने लगे। ईमान और अमान के साथ बैठा कर सब तस्वीरें लेने लगे और हर तस्वीर में अमान ईमान को देख रहा था। और इसी तरह मंगनी का फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा। अमान और सब लोग वापस जा चुके थे। शादी की डेट 1 महीने बाद रखी गई थी और ईमान का सोच सोच कर बुरा हाल था कि वो कैसे रहेगी अमान के पास। वो अभी किसी की नहीं सुनता, अगर मैं पास गई तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ईमान सोचकर भी कांप जाती।
जबकि अमान वहाँ बहुत खुश था, उसकी खुशी का कोई आलम नहीं था। वो सो के उठा तो उसने ईमान को कॉल मिलाई। ईमान सोई हुई थी, कॉल पे उठ गई। हेलो, कैसी हो मिसेस अमान? ईमान, देखो दोनों दुनिया की नज़र में मंगनी हुई है, पर तुम और मैं तो अच्छी तरह जानते हैं ना, हम हस्बैंड वाइफ हैं। ईमान ने इस बात पर डर कर फ़ोन रख दिया। उसने फिर कॉल की। कॉल क्यों काटी? उसे गुस्सा आया। आप मुझसे ये बातें बंद किया करें, ईमान ने हिम्मत करके कहा। अच्छा तो ठीक है, मैं वो बातें करता हूँ जो हमें करनी चाहिए, उसने शरारत से कहा। ईमान से पटा गई। कौन सी बातें? उसने पूछा। यही कि तुम्हारे होंठों का जायका नहीं भूला मैं अब तक। अमान की इस बात पर आंखें फट गईं। उसने फ़ौरन ही फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। वो कॉल करता रहा। ईमान ने मोबाइल ऑन नहीं किया। उसे गुस्सा आ रहा था बहुत, इस तरह कभी किसी ने उसके साथ नहीं किया था। कहाँ जाओगी ईमान? तुम अगले महीने शादी है, उसके बाद मैं हर बात अमलन करूँगा, तब कहाँ भागोगी तुम? अभी तो मोबाइल ऑफ कर देती हो, तब मैं तुम्हारा मोबाइल ऑफ रखूँगा। तुम बस मेरी हो, तुम्हारा पूरा टाइम मेरा होगा, एक मिनट के लिए भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम जितना भी कह लो। अमान गुस्से में सोचकर जैन के पास चला गया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, ईमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहाँ अमान का खुशी से बुरा हाल था और यहाँ ईमान का डर से। कल बारात में निकलना था। अमान ने ईमान को कॉल की इस दिन के बाद। अमान जब कॉल करता ईमान बात नहीं करती थी और अमान का गुस्सा बढ़ जाता, लेकिन वो अभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था क्योंकि शादी के दिन वैसे भी करीब आ रहे थे। फिर तो वैसे भी ईमान ने हमेशा के लिए उसके पास आ जाना था। आज भी ईमान ने अमान की कॉल नहीं उठाई। अमान ने इस बार रशीद चचा को कॉल कर ली। चचा, मुझे ईमान से कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ उसे फ़ोन दीजिए, इसका फ़ोन बन जा रहा है। पहले तो रशीद साहब हैरान हुए, फिर सोचा वैसे शादी होने वाली है, कोई काम होगा। उन्होंने ईमान को मोबाइल भिजवा दिया अरुमा के हाथों। ईमान ना समझी से पूछने लगी, किसका है? उसने कहा, पता नहीं, आप ही बाबा ने भेजा है। ईमान ने हेलो किया तो एकदम अमान ने कहा, क्या बकवास की थी, मैंने कॉल उठानी है तुम्हें, मेरी तुम क्यों खुद को के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हो? ईमान ने अमान की बात सुनी तो घबरा गई। वो आप ऐसी बातें करते हो मुझे अच्छी नहीं लगती, ईमान ने संभल कर कहा। तुम बातों की बात कर रही हो, मैं ये सब अमलन करूँगा तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करूँगा, तब क्या करोगी? तुम कहाँ भागोगी? तुम जिस तरह कर रही हो अपनी मुश्किल और बढ़ा रही हो। और फिर अमान ने ईमान को बहुत कुछ कहा, वो रोने लगी तो अमान चला गया। बारात रवाना हो गई थी। ईमान का दिल बैठा जा रहा था, वो सोच सोच कर घबरा रही थी कि वो अमान के पास कैसे जाएगी और अमान उसके साथ क्या हशर करेगा। बारात पहुंच चुकी थी, सब तैयारियों में लगे थे। अमान ईमान को ढूंढने में लगा था, लेकिन दुल्हन के कमरे में जाना इतना भी आसान नहीं था। वो ऊपर ही था सबके साथ, लेकिन उसकी पूरी कोशिश थी वो नीचे जाकर ईमान से मिले, जो कोई कामयाब नहीं होने दे रहा था। कल ईमान की मेहंदी थी। ईमान की हालत बहुत बुरी थी, रोशनी सब देख रही थी लेकिन वो चुप थी क्योंकि ईमान ने खुद हाँ की थी और अब बारात घर में थी। ईमान तबीयत खराब हो गई थी सोच सोच कर। रोशनी उसे दवाई देकर पास बैठी थी। ईमान, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच बताओगी? ईमान ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। जी आपी। ईमान, तुमने हाँ क्यों की? मैं जानती हूँ उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी और मैं ये भी जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तुम अपना दुख अपनी आपी को तो बता सकती हो ना। ईमान रोशनी की ये बात सुनकर उसके गले लगकर रोने लगी। आपी, आप वादा करो किसी को नहीं बताओगी, वरना अमान किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं बताऊंगी, बताओ मुझे सब। आपी, उस रात मेरा एक्सीडेंट नहीं अगवा हुआ था जो अमान ने किया था, उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह भी कर लिया। आपी, उसके बाद उसने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया वो सबका बुरा हाल कर देगा। और आपी, आप तो जानती हैं कि अमान जो भी कहता है करता है। ईमान सब बताते हुए बुरी तरह रो रही थी और रोशनी की आंखों में भी आंसू आ गए। ईमान, तुम इतना सब अकेली बर्दाश्त करती रही, मुझे तो कुछ बताती नहीं। आपी, आप उम्मीद से थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अमान वापस रूम में आया तो ईमान के पास ही बैठ गया। ईमान सोई हुई थी। अमान ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे बुखार हो रहा था। अमान को बहुत दुख हुआ, उसने ईमान का हाथ पकड़ा और उसके पास बैठा रहा सारी रात। सुबह जब ईमान की आंख खुली तो उसने देखा अमान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और बेड से टेक लगाए वो सो रहा था। ईमान ने अपना हाथ छुड़वाया और चेंज करके नीचे चली गई। उसे अमान से नफरत होने लगी थी। अमान की जब आंख खुली तो उसने देखा ईमान कहीं नहीं है, तो सीधा नीचे भागा और देखा तो ईमान सबके साथ बैठी थी। कल उनका वलीमा था, सब उसको डिस्कस कर रहे थे। अमान ईमान के पास आया और कहा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ईमान, सबके सामने तमाशा ना हो इसलिए बस इतना कहा, ठीक हूँ। वो मुतमईन होकर ऊपर चला गया और चेंज करके बाहर निकल गया। रात में जब वापस आया, ईमान सो गई थी, बुखार की वजह से कमजोरी हो गई थी। अमान ने ईमान को सोफे से उठाया और बेड पर लेटाया और खुद भी चेंज करके उसके पास लेट गया। ईमान, तुम नहीं जानती, तुम मेरी जिंदगी हो, पता नहीं तुम ये कब समझोगी। अमान ने ईमान को करीब किया और देखा उसे बुखार था। अब भी कल वलीमा था और अमान परेशान था, वो कैसे बैठेगी इतनी देर। वो उसे खुद से लगाए प्यार करते सो गया।
अमान की आंख खुली तो ईमान अब तक सो रही थी। वो घबरा गया और उसने एकदम से उसका बुखार चेक किया। बुखार कम था। अमान ने ईमान के गाल थपथपाए। उसने आंखें खुली तो अमान को देखकर उठने लगी। लेटी रहो, तबीयत नहीं ठीक तुम्हारी। अमान ने उसे वापस लेटा दिया और नाश्ते का कमरे में लाने का कह दिया। ईमान लेटी तो उसे फिर नींद आ गई। अमान चेंज करने चला गया था, वापस आया तो ईमान सोते हुए मिली। जब तक नाश्ता भी आ गया था उसने ईमान को उठाया और ईमान फ्रेश होने चली गई थी। अमान उसका इंतजार करने लगा। जब वो आई उसे अपने सामने बिठाया और कहा नाश्ता करो, फिर दवाई भी खानी है। ईमान चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता करवाकर अमान ने ईमान को दवाई खिलाई और कहा तुम सो जाओ, मैं शाम में तुम्हें उठा दूंगा। वलीमे में बैठना पड़ेगा इसलिए अभी सो जाओ। ईमान को सर्दी भी लग रही थी इसलिए वो चुपचाप वापस सो गई और अमान सोफे पर लैपटॉप पर काम करने लगा। वो पूरा दिन ईमान का बुखार चेक करता रहा। अब बुखार कम था, शाम हो गई थी और वो परेशान था ईमान की तबीयत ना खराब हो जाए वलीमे में। वो ईमान के पास गया और उसका बुखार चेक किया और उसे उठाने लगा। अमान ने ईमान के गाल को थपथपाया। ईमान सोई रही। उसने दोबारा पुकारा। ईमान ने आंखें खोली। ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी जान की। वो चुप ही रही। अच्छा वलीमे में जाना है तुमने, बस थोड़ी देर बैठना फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। वो चुप करके उठने लगी, उसे कमजोरी हो गई थी। अमान ने उसे सहारा देना चाहा तो उसने हाथ हटा दिया, लेकिन वो अमान ही क्या जो पीछे हट जाए। उसने ईमान को सहारा दिया और वो फ्रेश होने चली गई। वो बाहर ही खड़ा रहा और जैसे ही बाहर आई उसने उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले आया था। छोड़ो, ईमान ने कहा, चुप रहो और तुम्हें मैं तैयार करता हूँ आज, चलो। ईमान ने हैरत से अमान को देखा। मजाक कर रहा हूँ, ब्यूटिशियन बुलाई है, आ रही होगी। और जब तक दरवाज़ा नॉक हुआ, अमान ने दरवाज़ा खोला तो रोशनी थी। आइए साली साहिबा, मैं यही सोच रहा था, दो दिन अपने कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। अमान दरवाजे पे शुरू हो गया था। ईमान ने बहन को देखा तो उठकर मिलने आने लगी तो अमान ने उसे टोक दिया। ईमान वहीं बैठी रहो, आ रही है तुम्हारी बहन। अमान ने रोशनी को अंदर भेजा। रोशनी को देखकर ईमान उससे लग गई। रोशनी ने देखा वो कमज़ोर लग रही थी और उसे बुखार भी था। उसने अमान से कहा इसलिए लाए हो, दो दिन में क्या हालत कर दी तुमने मेरी बहन की, बस सास बन जाया करो तुम हर बार। रोशनी तुम अपना काम किया करो, मेरे मामलों में मत घुसा करो। और एक बात और, अब तक कुछ नहीं किया है मैं, पर जल्द ही करूंगा, खुशखबरी तुम्हें मिल जाएगी। अमान मजे से कहकर सोफे पर बैठ गया। अमान तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हुए। वो फट ही पड़ी, नहीं मुझसे शर्म का वास्ता नहीं रहा कभी, और तुम अब लेक्चर बंद करो। ब्यूटिशियन आ रही है, मेरी बीवी को तैयार करो। और ख्याल से इसे बुखार है, ब्यूटिशियन को भी ये बात समझा देना। अगर ईमान को ज़रा भी तकलीफ हुई उठा के सबको बाहर फेंक दूंगा। अमान ने वार्न करते कहा सबसे ज़्यादा तकलीफ तुमने दी है, तुम खुद को क्यों नहीं फेंक देते बाहर। इस बार ईमान ने बोला। अमान ने ईमान की तरफ देखा, उसका जवाब तुम ठीक हो जाओ तब तक उधार रहा। अमान रूम से चला गया तो रोशनी ने ईमान से दो दिन की सारी कहानी पूछी। सफ़र की वजह से रोशनी की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वो ईमान के पास नहीं आ पाई थी। अब आई तो सब पूछ रही थी। ईमान ने उसे सब बता दिया था और रोशनी अमान की ढिठाई देख रही थी, लेकिन वो जानती थी अमान बहुत ज़िद्दी है, शुरू से जो दिल में आता है करके रहता है। रोशनी ईमान को तैयार करवा रही थी और साथ साथ उसके लिए परेशान भी थी। अमान भी तैयार हो गया था और बिल्कुल वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था, हर नज़र थम जाए उसे देख कर। वहाँ ईमान भी बेहद हसीन लग रही थी जिस पे सबकी नज़रें ठहर जाएं। अमान और ईमान एक साथ ही हॉल में आए, रोशनी भी इनके साथ थी। अमान ने एहतियात से ईमान को स्टेज पर बिठाया और खुद भी साथ बैठ गया। वो बार बार ईमान का हाथ पकड़ रहा था, लेकिन आज वो उसका बुखार चेक करने के गर्ज से पकड़ रहा था और ईमान उसे चिढ़ रही थी। पर अमान कब किसी की सुनता था। उसने देखा ईमान का बुखार थोड़ा तेज़ हुआ है, इस वक्त सबसे माजरत करते ईमान को लेकर घर आ गया। ईमान को बाहर ठंड लग रही थी, उसने जल्दी ही रूम में जाके हीटर ऑन किया और ईमान को बेड पर लेटाया और उस पर कंफर्टर डाल दिया। ईमान अब भी ठंड से कांप रही थी, अमान उसके हाथ मसल रहा था। ईमान ने अब तक जेवर और हैवी कपड़े पहने थे। ईमान की कपकपाहट कम हुई तो उसे सुकून मिला, वो सो गई। दवाएं ईमान ने उसे पहले ही खिला दी थी। अमान ने देखा ईमान की हैवी जेवरात और दुपट्टे की वजह से मुश्किल हो रही है सोने में, तो उसने पहले उसका दुपट्टा लातादाद पिन से आसाद किया, उसके बाद एक एक करके उसके सारे जेवर उतार दिए और सारी चीज़ें ड्रेसिंग पर रखकर खुद ईमान के पास आया और उसे उसी कंफर्टर में लेट गया जिसमें ईमान थी। उसने ईमान को खुद से लगाया और प्यार करते सो गया। वो उठा और उसने ईमान को भी उठाया और नाश्ता करवाकर मेडिसिन खिलाकर सुला दिया। इसी तरह वो ईमान का ख्याल करता रहा। ईमान अब काफ़ी बेहतर थी। इतने दिन अमान ने ईमान को तंग नहीं किया था, आज जैसे ईमान कमरे में आई अमान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मछली की तरह तड़पने लगी। अमान छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो तुम, वही जो सब अपनी बीवी के साथ करते हैं। अमान नहीं, वो रोने लगी और उसे गुस्सा आ गया। हर वक्त तुम रोती रहती हो, इतना रो कैसे लेती हो, अब बेहोश होना अभी रहता है, वो भी हो लो। अमान बहुत गुस्से से कह रहा था और ईमान रोने में लगी थी। वो गुस्से से बाहर चला गया और ईमान ने सुख का सांस लिया और जाकर सोफे पे सो गई।
वो आया तो ईमान को सोफे पे सोते देख उसे और गुस्सा आ गया। उसने ईमान को उठाकर जोर से बेड पर पटका। ईमान एकदम उठ गई। क्या हुआ? उसने डरे लहजे में पूछा, तुम क्या चाहती हो मैं रोज तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर यहाँ सुलाऊं? वो गुस्से से धाड़ा, मैं यहाँ नहीं सोना चाहती, उसने कहकर नजरें नीचे कर ली। तुम नहीं चाहती लेकिन अब तक ऐसा हुआ तो नहीं है ना? तुम जानती हो ना तुम्हें खुद से लगाकर सोता हूँ मैं, तो क्यों अपनी और मेरी एनर्जी जाया करती हो? तुम जहाँ भी सोगी मैं तुम्हें यहीं ले आऊंगा। ये बात तुम कान खोलकर सुन लो, अब चुपचाप लेट जाओ और कोई भी फजूल बहस ना सुनो मैं, वरना अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ईमान अमान की बात से डर गई और एक कोने में लेट गई। वो जैसे ही लेटा ईमान को करीब करके अपनी आगोश में ले लिया। वो अपने आप को छुड़वाने लगी तो कहा, ईमान अगर अब छुड़वाने की कोशिश की तो मैं फिर और बहुत कुछ करूंगा और तुम जानती हो कि क्या। ईमान चुप कर गई। अमान रोज की तरह ईमान को प्यार करते सो गया और वो भी सो गई। सुबह ईमान ने कहा उसे रोशनी के पास जाना है, जिसका अमान ने उसी वक्त जवाब दे दिया। ईमान चुप करके कमरे से चली गई और अमान वापस ऑफिस चला गया। वापस आया तो उसने ईमान से कहा, तैयार हो जाओ कहीं चलना है। ईमान ने मना कर दिया, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोशनी के पास ले जा रहा था। ये सुनकर ईमान ने कहा, मैं चलूंगी नहीं, अब नहीं, अब खाना ले आओ, जाओ शाबाश। वो खाना ले आई। उसने खाना खाया तो ईमान के साथ ही खाता था, पर ईमान उसका वेट नहीं करती थी लेकिन वो फिर भी उसे ज़बरदस्ती खुद के साथ खिलाता था। अब ईमान भी दो बार नहीं खा सकती थी इसलिए अमान के साथ ही खाती थी। खाने से फारिग होकर ईमान ने कहा, अब चलें। अमान ने ईमान को देखा और कहा, इधर आओ। वो उसे हैरत से देखकर पूछने लगी, क्यों जाना है या नहीं? उसने पूछा, जाना है तो फिर आओ। ईमान थोड़ा पास गई और कहा, जी। अमान ने उठकर उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ईमान अमान के सीने से जा लगी थी। अमान छोड़ो, पहले तुम अपना बीवी वाला फ़र्ज निभाओ, फिर मैं अपना शौहर वाला फ़र्ज निभा कर तुम्हें ले चलता हूँ। ईमान की आंखें फट गईं। मुझे नहीं जाना कहीं, छोड़ो मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जाओ और जाने की यही शर्त है। मुझे नहीं जाना कहीं भी, छोड़ो मुझे। ईमान अमान के घेरे में फंसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अमान छोड़ दो प्लीज़, ईमान रोने लगी थी। ईमान तुम लगता है शराफत से नहीं मानोगी, मैं और कितना तुम्हें टाइम दूँ? अमान ने ईमान को खुद के बहुत करीब कर लिया था। छोड़ो मुझे नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे पास आने से। वो फट ही पड़ी थी और अमान उसे दुख से देख रहा था। ईमान गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हुई। मैंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, तुमसे मांगी क्योंकि मुझे तुमसे तुम अजीज़ हो। तुम एक बार मुझे माफ़ करके मेरी हो जाओ, मैं ज़िंदगी भर जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ईमान ने उसकी सारी बातें सुनी, उसकी बातों में सच्चाई ईमान को भी दिखी लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अमान मुझे रहना ही नहीं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ, छोड़ो मुझे। अमान ने ईमान पर गिरफ्त और तेज़ कर दी, तुम चाहती नहीं मैं तुमसे शराफत से पेश आऊँ। वो ईमान पर झुक गया। अमान नहीं, वो चीखने लगी। अमान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसका रंग एकदम जर्द पड़ गया। तो अमान ने ईमान की तबीयत खराब होते देखी तो उसे छोड़कर बाहर निकल गया। वो सीधा जैन के पास गया। जैन ने अमान से बहुत बार पूछा, आखिर बात क्या है, वो इतना परेशान क्यों है? तो उसने कहा, कुछ नहीं बस सब ठीक कर दूंगा मैं जल्द, और वो वहीं चुप हो गया। अमान और सब ने मिलकर कैंपिंग का प्रोग्राम बनाया और सब कैंपिंग के लिए शुमाली इलाके में रवाना हो गए थे। ईमान ने मना बहुत किया लेकिन अमान ने उसकी एक नहीं सुनी। वो सब एक सफ़र करते करते थक गए तो एक जंगल में कैंप लगाने का डिसाइड किया। सब अपने अपने कैंप लगा रहे थे, सब कपल ही थे। रोशनी और रहमान को भी कहा पर रोशनी की कंडीशन की वजह से वो लोग नहीं जा पाए। अमान अपना कैंप लगा रहा था, ईमान दूर एक पत्थर पर बैठी सबको देख रही थी। अमान खैमा लगाकर फारिग हुआ तो ईमान के पास आया, आओ देखो तुम्हारे लिए मैंने घर बनाया है, मुझे नहीं देखना, उसने फौरन मना कर दिया। अमान ने ईमान का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। तुमसे हर काम ज़बरदस्ती ही करवाना पड़ता है, उसे खैमे के बाहर खड़ा करके कहा। देखो अंदर जाकर या मैं उठा के ले जाऊँ। अमान की बात सुनकर वो अंदर चली गई। उसने हर तरह की सहूलत रखी थी, अंदर ठंडक का एहसास तक ना था। अमान भी अंदर आ गया। ईमान चुपचाप सब देखकर बाहर आ गई थी। जैसे रात हो रही थी ठंड बढ़ रही थी, सब आग लगाकर दायरा बनाकर बैठे थे और तरह तरह की गेम्स खेल रहे थे, गाने भी चल रहे थे। ईमान और राबेल भाभी के साथ बैठी हुई थी। अमान समद भाई के साथ, आरफा और वकार साथ बैठे थे, समीना और एहसान साथ थे और रिमशा और शेरी साथ। सब कपल्स आपस में बहुत गेम्स खेल रहे थे, बस अमान और ईमान ही अलग बैठे थे एक दूसरे से। सब ने फिर ट्रुथ एंड डेयर गेम स्टार्ट कर दी। अमान और ईमान एक दूसरे के सामने बैठे थे। बोतल राबेल पर रुकी, समद ने उसे कपल डांस का कहा और उनका कपल डांस सब में हलचल मचा गया। अब के बोतल ईमान पर रुकी, अमान ने कहा, ईमान को डेयर मैं दूंगा। ईमान अमान को देखने लगी, ईमान तुम मुझे आई लव यू कहो। ईमान ने मना कर दिया लेकिन सब कहने लगे, डेयर पूरी करनी पड़ेगी ईमान। और फिर ईमान अमान को कहा आई लव यू। अमान बहुत खुश हुआ और कहा आई लव यू टू। गेम फिर स्टार्ट हुई, अब के बोतल अमान पे रुकी।
अमान को शेरी ने एक ट्रुथ बताने को कहा था। अमान ने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैं ईमान से बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ। ईमान मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ है। ये सुनकर सब ने तालियाँ और सीटियाँ बजाई, लेकिन ईमान चुप थी। सब थक गए तो अपने अपने खेमे में जाने लगे। ईमान के पास आया, चलो ईमान अंदर, अब बाहर ठंड बढ़ रही है, मैं अभी यहाँ रहना चाहती हूँ, कुछ देर तुम जाओ। वो भी वहीं बैठ गया। क्या बात है? अमान ने बहुत प्यार से पूछा। कुछ नहीं, बस इतना ही कहा। तुम ठीक हो ना? उसके पूछने पर वो रो पड़ी। मुझे ऐसी जगह क्यों लाए हो? मुझे डर लगता है यहाँ जंगल में। अमान ने एकदम ईमान को खुद से लगाया। अच्छा रो मत, मैं तुम्हें कल घर ले जाऊँगा, ठीक है? अमान ने ईमान के गाल सहलाते हुए कहा था। जी, ईमान बस इतना ही कह पाई थी। अब चलो अंदर आओ। शाबाश, वो उसे लेकर अंदर चला गया था। अंदर ठंड ना होने के बराबर थी। फिर वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ों ने ईमान की जान निकाली हुई थी। वो समझ गया था वो डर रही है। उसने रजाई खोलकर ईमान को कहा, इसमें सोने का। ईमान एकदम रजाई में सो गई और वो भी साथ ही सो गया। सुबह उठते ही अमान ने सबसे जाने का कह दिया था कि वो और ईमान आज निकल जाएंगे और बाकी सब कैंपिंग जारी रखें। अमान ने अपना खैमा और सारे सामान अपनी गाड़ी में रखी। ईमान बस उसे देख रही थी। जब सब सामान रख लिए, अमान ईमान के पास आया था, आओ चलें, और वो उसके साथ चल दी थी। अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि गाड़ी बंद पड़ गई। वो सो गई थी। अमान परेशान हो रहा था, इस सुनसान जगह पर गाड़ी रुक गई, वो उठ गई तो डर जाएगी। अमान कोशिश करता रहा पर गाड़ी स्टार्ट होके नहीं दे रही थी। ईमान की आँख खुली तो गाड़ी किसी सुनसान जगह रुकी थी। ईमान एकदम उठकर सीधी हो गई। अमान को पुकारने लगी थी, लेकिन अमान उसे कहीं नहीं दिखा। तो ईमान के खौफ से जान निकले जा रही थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। रात के साए लहराने लगे थे। वो गाड़ी से बाहर आई तो हर जगह सन्नाटा था। उसकी रूह तक कांप गई थी। अमान वो पुकारती बुरी तरह कांपने लगी। जब ही अमान गाड़ी के नीचे से बाहर निकला, जल्दी ईमान ने जैसे अमान को देखा, उसके सीने से जा लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अमान उसे चुप करवाने लगा था। मुझे लगा तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हो, वो रोते रोते कह रही थी। कोई अपनी ज़िंदगी को भी छोड़ के जाता है पागल? अमान आज बहुत खुश था। ईमान खुद उसके गले लगी थी। वो ईमान को खुद से लगाए खड़ा था। जब ईमान होश की दुनिया में वापस आई और एकदम अमान से दूर हुई, ईमान गाड़ी ख़राब हो गई है और सिग्नल भी नहीं आ रहे, आज रात यहीं रहना पड़ेगा। अमान यहाँ कैसे रहेंगे? उसने घबरा कर पूछा था। वैसे तो मैं कैंप लाया हूँ, पर यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए गाड़ी लॉक करके सोएंगे। कल तक शायद चल जाए गाड़ी। ईमान के चेहरे पर डर के साए अमान बखूबी देख रहा था। डरो मत, मैं हूँ ना, आओ गाड़ी में अंदर। अमान ने ईमान की पिछली सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी को धक्का देकर साइड पर करने लगा। थोड़ी साइड करके वो आगे बैठा और पूरी गाड़ी लॉक करके हीटर ऑन कर दिया। ईमान पिछली सीट पर बैठी थी। ईमान कुछ खाओ कि सामान पीछे रखा है, ले लो। नहीं, मुझे भूख नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तो अच्छा, थोड़ी देर तक खा लेना। वो सीट से टेक लगा कर सोने लगा था। ईमान ने अमान को सोते देखा तो उसे कहा, अमान तुम सो रहे हो? वो समझ गया कि उसे सोने से डर रही है। नहीं, मैं बस आंखें बंद करके बैठा हूँ। ईमान के डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और अमान गाड़ी चला चला कर थक गया था, तो उसे नींद आ गई थी। ईमान ने अमान को पुकारा तो कोई जवाब नहीं आया। उसने आगे होकर अमान को झुंझुड़ा। अमान हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, सॉरी यार, आंख लग गई थी, अब नहीं सोता, पीछे आता हूँ। अमान सीट फड़ांगता पीछे की तरफ आ गया। ईमान तुम मेरी गोद में सरक कर सो जाओ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा, अमान ने ईमान को बड़े प्यार से कहा था। और ईमान मना कर दिया, नहीं मुझे नींद नहीं आई। जिद मत करो, सो जाओ, आओ। ईमान वैसे बैठी रही तो अमान ने उसे पकड़ लिया। तुम सो रही हो या सोती हूँ? ईमान फौरन बोली। अमान हंसने लगा। ईमान को अमान ने सुला दिया और खुद वो जागता रहा, क्योंकि वो जानता था उसे नींद आ गई तो वो डर जाएगी। जैसी सुबह हुई, अमान ईमान को एहतियात से सीट पर लिटाते आगे आया और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एक दो कोशिश के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई और अमान ने सुख का सांस लिया। उसने आराम से गाड़ी चलाई ताकि ईमान उठ ना जाए, और ईमान को उठने से पहले वो शहर पहुंच चुका था। ईमान उठी तो हैरान होते पूछने लगी, अमान गाड़ी चल गई? नहीं, तुम ख्वाब देख रही हो, वापस सो जाओ, वो हंसने लगा। तो ईमान इधर उधर देखने लगी, शहर आ गया था। ईमान ने भी शुक्र अदा किया, हम बच गए, ईमान ने बच्चों की तरह कहा, और वो हंसने लगा। बेगम तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, मैं फिक्र मत करो। वो लोग घर पहुंचे तो रात हो गई थी। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए जाते ही सो गया। ईमान तो सारा रास्ता सोते हुए आई थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी तो मम्मा के साथ बैठी रही। आखिर मम्मा भी सोने चली गई तो वापस कमरे में आ गई। सोफे पर बैठकर लैपटॉप में गेम खेलने लगी। अमान ने उसके लिए लैपटॉप ले रखा था और आज वो उसका फ़ायदा उठाते गेम खेल रही थी। अमान की जब आँख खुली तो ईमान अब तक गेम खेल रही थी। ईमान क्यों जाग रही हो? इधर आओ, सो जाओ। शाबाश, मुझे नींद आ रही है, ईमान फिर गेम में लग गई। ईमान पानी दो, अमान को प्यास लग रही थी। उसने पानी
उसे दिया और फिर गेम में लग गई। ईमान आ जाओ, सो जाओ, इतना जागूंगी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं इतना सोई हूँ और वैसे भी तुम भी इतनी देर जागते हो रोज, मुझे कुछ नहीं होता, तुम्हारी तरह कमज़ोर थोड़ी हूँ। अमान ने ईमान को चढ़ाया, मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, उसने फौरन जवाब दिया। अच्छा आ जाओ, देखते हैं क्या देखोगे, बहुत कुछ, आओ सब बताता हूँ, ये भी पता लग जाएगा कौन कमज़ोर है। नहीं आना, ईमान ने मना कर दिया और गेम में लग गई दोबारा और अमान दोबारा सो गया। आज अमान ईमान की रोशनी को घर छोड़ आया था, वो बहुत खुश थी, रोशनी भी बहुत खुश थी। रोशनी को अब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी इसलिए ईमान उसके यहाँ उसके पास ही गई थी, लेकिन उसने अमान को अब तक ये नहीं बताया था कि वो रुकने के घर से जा रही है। अमान उसे छोड़कर ऑफिस चला गया और सोचा शाम में उसे लेता जाएगा। वो जब उसे लेने आया तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरी बहन की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं उसे कैसे छोड़ूं इस हालत में। ईमान तुमने ये बात घर पर क्यों नहीं बताई मुझे? इसलिए क्योंकि फिर तुम आने नहीं देते। उसने गहरी नज़रों से ईमान को देखा था। अच्छा फिर इस हिसाब से तुम्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर आके रहने का मौका मिले, अमान कहकर ईमान की तरफ आया। मतलब ईमान ने मासूमियत से पूछा था, अमान को हंसी आ रही थी। वो ईमान के पास गया और कहा, मतलब तुम भी अपनी बहन को खाला बनने का मौका दो, सिर्फ खुद बन रही हो। ईमान ने अमान की बात सुनकर दूर जाकर उस पर कुशन फेंका। उफ, अमान एक्टिंग करने लगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, तुम्हारी अम्मी हर वक्त रोती थी, बाबा के पास भी नहीं आती। अमान ने रोनी सूरत बनाई थी। अमान चुप हो जा, बहुत फजूल तुम, ईमान कहकर जाने लगी। अमान ने दौड़कर उसे पकड़ा, क्या कर रहे हो? रोशनी देख लेगी। अच्छा मतलब जब रोशनी ना देखे तब ये कर सकता हूँ। उसने ईमान को अपनी गिरफ्त में लिया, वो खुद को छुड़वाने लगी पर इस बार रोई नहीं। अमान ने कान पर हाथ रखा और एक्टिंग की, ईमान तुम अब तक रोई नहीं? ईमान ने गुस्से से अमान को देखा, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो तो ईमान ने बाल पिन निकालकर ईमान को चुभा दी और उसके घेरे से निकलकर दूर भागी और कहने लगी, अब मुझे छोड़ा ना, आ गया है। अमान हंसने लगा, आओ घर बताता हूँ फिर कैसे छुड़ाती हो। ईमान अमान को मुंह चिढ़ाते भाग गई। उसे 2 दिन हो गए थे रोशनी की तरफ वो घर जाने का नाम नहीं ले रही थी और अमान को चैन नहीं मिल रहा था। वो शाम में रोशनी के घर चला गया। ईमान किचन में रोशनी के लिए सूप बना रही थी, उसने पीछे से उसे घेर लिया। वो एकदम डर गई, कौन है और कौन होगा जिसकी हिम्मत के तुम्हें पकड़े? अमान की आवाज़ सुनकर ईमान ने उसे देखा, तुम क्यों आए? मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप ही ठीक नहीं होती, तुमसे पूछ कौन रहा है? वो उस पर झुका प्यार करने लगा, पता है कितना मिस किया है तुम्हें, तुम तो आती नहीं, मैं ही आ गया। छोड़ो तुम हर वक्त मुझे पकड़ क्यों लेते हो? वो नाराज़ हुई, तुम्हें नहीं तो और किसे पकड़ूंगा पागल, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, अमान ईमान पर झुका और जब रोशनी ने दरवाज़ा नॉक किया, रोशनी का बिहेवियर अब अमान से काफ़ी बेहतर था। ईमान की नस्बत रोशनी समझदार थी और वह समझ चुकी थी अमान ईमान से बेहद प्यार करता है और ज़बरदस्ती भी इसलिए करता है क्योंकि ईमान उसकी कोई बात नहीं मानती। रोशनी के आने से भी अमान ने ईमान को नहीं छोड़ा, वो उसे खुद को छुड़वाने लगी पर वो नहीं छोड़ रहा था। क्या काम है रोशनी? अमान ने रोशनी से पूछा जब उसे खड़ा देखा। जब तक ईमान बोल उठी, आप ही इसे कहो ना मुझे छोड़े, तुम मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्यों कहूँ? रोशनी ने साफ जवाब दिया। ईमान हैरत से रोशनी को देखने लगी जबकि अमान हंसने लगा और कहा, रोशनी थोड़ी अकल मेरी बीवी को भी दे दो प्लीज़, मुझ गरीब का भला हो जाएगा। वो हंसते हुए वहाँ से चले गई। अब अमान ईमान पर झुका, चलो घर यार, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अभी नहीं जाऊँगी। ईमान, दिल नहीं लगता मेरा, नहीं कहा ना मैंने? ईमान ने रोब दिखाया, उसने फ़ौरन ईमान को सीधा किया, तुम्हारे भी नखरे आ रहे हैं जानते हो, अमान से उस तरह कोई बात नहीं करता। वो एकदम डर गई, देखो इतना कोई डरता है? ईमान को पिछली बात याद आ गई, वो एकदम चुप हो गई। ईमान, सॉरी मजाक कर रहा था यार, तुम कुछ भी कह सकती हो मुझे। वो चुप ही रही। अच्छा बाबा देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ, अब तो माफ़ कर दो, और देखो मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। अमान ने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर कुछ निकाला और एक डब्बी ईमान की तरफ बढ़ाई। ईमान ने बेसमझी से देखा, क्या है इसमें? इसमें तुम खुद देखो। ईमान ने जब बॉक्स खोला तो उसमें से एक लॉकेट निकला जिस पर अमान और ईमान लिखा था। कैसा लगा? अमान ने ईमान को देखते हुए पूछा। अच्छा है, अच्छा सीधी खड़ी हो, मैं पहनाऊं तुम्हें? अमान ने ईमान को सीधा किया। नहीं मैं खुद पहन लूंगी, इधर खुद पहन लूंगी, कुछ लगती? अमान ने बहुत प्यार से वो लॉकेट ईमान के गले में डाला। अमान के हाथों का लम्स उसे कंफ्यूज कर रहा था, वो समझ गया था इसलिए वो हाथ नहीं हटा रहा था और वो मधोसा ईमान को देख रहा था। ये लॉकेट बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। वो उसकी तरफ झुका ही था कि ईमान उसे धक्का देते दूर जाकर कहने लगी, बहुत बेशर्म हो तुम अमान, इधर आओ, तुम भागी कैसे हो? अमान भी उसके पीछे भागा पर वो निकल गई और अमान को अकेले ही घर आना पड़ा। रोशनी के घर अल्लाह ने रहमत से नवाजा था, उसे एक फूल सी बेटी हुई थी। अमीना बेगम भी आ चुकी थी, अरुमा भी उनके साथ आई थी। रशीद साहब दुबई थे, उनको आज रवाना होना था।
अमान भी हॉस्पिटल में था। रहमान बेटी का सुनकर मिठाई लिए चला गया। रोशनी की सास और अम्मी दुआएं मांग के शुक्र अदा कर रही थीं। ईमान रोशनी के साथ थी। रोशनी को अभी होश नहीं आया था। उसकी बेटी के पास ईमान थी। कुछ देर में पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटेगी। सब बहुत खुश थे। अमान ने वापसी पर ईमान को घर जाने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, अम्मी और सबके साथ रोशनी के घर जाऊंगी। अमान को इस बार सच गुस्सा आ गया था। ईमान, मुझे लगता है तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। अभी के अभी चलो मेरे साथ घर। अमान, मम्मा आई हुई हैं, प्लीज़। ईमान ने रोने सूरत बनाकर कहा और अमान चुप कर गया और वहाँ से चला गया। वो खुशी खुशी सबके साथ रोशनी के घर चली गई थी, बगैर ये सोचे कि अमान उसके बगैर कितने दिन से तड़प रहा है। वो बहुत गुस्से में घर आया था और हर चीज़ तहस नहस कर दी कमरे की। अमान की आंखों में आंसू आ गए। क्यों ईमान, तुम मेरी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं करती। मैं कैसे इतने दिन रहा हूँ तुम्हारे बगैर तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं। आज मैं कितना खुश था कि तुम साथ आओगी मेरे, और तुमने मना कर दिया। तुम्हें मेरी याद तक नहीं आती। जब मैं अपनी सुनता था तो तुम मेरे पास होती थी, अब दिल की सुनी तो तुम पास ही नहीं आती। क्या करूँ, कैसे तुम्हें बताऊँ। बहुत चाहता हूँ, मुझे चैन नहीं आता कहीं। ईमान, आज पहली बार मैं रोया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ईमान की मम्मा ने उससे पूछा कि अमान तुम्हारे साथ कैसा सलूक रखता है। ईमान ने कहा, मम्मा ख्याल रखता है मेरा बहुत। मम्मा मुतमईन हो गई थी। ईमान अब अमान के बारे में सोचने लगी थी। मम्मा मैं एक बार घर से हुआ हूँ। ईमान ने बैठे बैठे कहा, हाँ बेटा तुम भले घर चली जाओ, मैं हूँ यहाँ। अच्छा मम्मा ड्राइवर को कहें कि मुझे घर छोड़ाए। ठीक है बेटा। ईमान जब घर पहुँची तो कमरे का हाल देखकर घबरा गई। अमान भी कहीं नहीं था। मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा मैं हॉस्पिटल से सीधी रुखसाना के घर चली गई थी, मैं अभी आई हूँ, और बाबा तो ज़मीनों के चक्कर में उलझे हैं। उसने कॉल की तो मोबाइल ऑफ जा रहा था। ईमान काफ़ी देर तक अमान का इंतज़ार करती रही और जब अमान आया तो उसे देखकर डर गई। अमान ड्रिंक करके आया था, उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो कमरे में गया तो ईमान को देखकर उसकी तरफ लपका। ईमान तुम आ गई। अमान ने ईमान को जैसे गले लगाना चाहा, उसने धक्का दे दिया और कहा, मुझे पता ही नहीं था तुम ड्रिंक भी करते हो। दूर रहो मुझसे, मैं ही पागल थी जो समझ रही थी तुम सुधर गए हो और यहाँ तुम्हें देखने चली आई, पर अब मैं वापस जा रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी, मम्मा के साथ चली जाऊँगी। ईमान ये कहकर जाने लगी कि अमान ने उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर बेड पर फेंका और जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। ईमान ये सब देखकर डर गई। क्या कर रहे हो तुम, दरवाज़ा क्यों बंद किया है। ईमान सच में अमान के तेवर देखकर डर गई थी। बहुत हो गया ईमान, अब तुम मुझे छोड़कर जाओगी ये कहने की तुमने हिम्मत भी कैसे की। तुम आज इस बात के लिए पछताओगी, आइंदा ऐसा कहने से पहले हज़ार बार सोचोगी। मैंने तुम्हें छूट दी, मेरी गलती थी, तुम्हें कभी मेरे प्यार की कदर नहीं होगी। अब मैं अपना हक आज लेकर रहूँगा। ये कहकर अमान ईमान की तरफ बढ़ा। ईमान भागी पर भाग नहीं सकी। अमान ने उसे पकड़ लिया और उसे दोबारा बेड पर धक्का दिया। मुझे माफ़ कर दो अमान, प्लीज़, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ ऐसे मत करो। ईमान रोने लगी, लेकिन आज अमान खुद भी होश में नहीं था। उसने ईमान की एक ना सुनी। वो चीखती रही पर अमान ने उसे नहीं छोड़ा। उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर उस पर झुक गया और ईमान तड़पती रह गई। आज की रात ईमान पर बहुत भारी पड़ी थी। अमान सो चुका था और ईमान पूरी रात रोती रही। अमान जब उठा तो ईमान कमरे में नहीं थी। अमान ने उठते अपना सर पकड़ लिया। इस वक्त उसका सर दर्द से फट रहा था और रात का सारा मंजर उसकी आंखों के आगे आया तो वो घबराकर उठा और ईमान को बुलाने लगा। पूरे कमरे में ईमान कहीं नहीं मिली। वो उठकर नीचे गया, वहाँ भी कहीं ईमान नहीं दिखी। वो डर गया कि ईमान कहाँ चली गई। उसने मम्मा से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इन्हें नहीं देखा। सुबह से अब अमान को घबराहट होने लगी। वो गाड़ी लेकर बाहर निकल गया, हर जगह देख लिया, उसे कहीं ईमान नहीं मिली। अमान की आंखों में आंसू थे। उसे सुबह से निकले शाम हो गई थी। ईमान को ढूंढते ढूंढते घर आया तो मम्मा ने पूछा, ईमान मिली, तो उसने नफी में सर हिलाया। अमान गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठा। मम्मा मेरी गलती है, वो माँ के आगे रोने लगा। माँ का दिल तड़प गया क्योंकि अमान बड़ी से बड़ी बात पर भी नहीं रोता था। माँ उसे दिलासा देने लगी कि परेशान मत हो, ईमान मिल जाएगी। अमान के दिमाग में एकदम कोई ख्याल आया और वो उठकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा और मेन गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, तुमने मैडम को बाहर जाते देखा है। उसने कहा, सर मैंने इन्हें बाहर जाते नहीं देखा। अमान सोचने लगा, अगर बाहर नहीं गई इसका मतलब घर में कहीं है। और अमान फिर घर में ढूंढने लगा। हर जगह देखने के बाद भी मायूसी हुई। फिर एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह लपका और वो सीधा स्टोर रूम भागा और वहां जाकर देखा तो ईमान टेबल के पास सोई हुई थी। अमान उसकी तरफ भागा और उसे खुद से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम, मेरी जान निकाल दी तुमने। ईमान अमान के गले लगाने से उठ गई थी और एकदम उसे पीछे करके रोने लगी। दूर रहो मुझसे, तुम नहीं आना तुम्हारे पास कभी, मैं यहीं रहूंगी। ईमान मेरी बात सुनो, देखो आई एम सॉरी, मैं कल होश में नहीं था, प्लीज़ इधर आओ मेरे पास। ईमान और दूर होने लगी। अमान ने बढ़कर उसे थाम लिया और उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो बुरी तरह कांपने और रोने लगी। अमान उसे चुप कराने लगा। वो उसे लेकर कमरे में आया, उसे बेड पर बिठाया। ईमान तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अमान ने ईमान के आगे हाथ जोड़ लिए थे, मुझे अकेला छोड़ दो। ईमान सुबह से वहाँ भूखी बैठी रही थी और रोते रोते वहीं सो गई थी। अमान उसके लिए खाना लाया, उसे मना कर दिया।
उसने बहुत बार कहा लेकिन वो खाई नहीं रही थी। फिर अमान उठा और उसने दरवाज़ा बंद किया तो ईमान को रात का मंजर सामने आ गया। वो लरज गई। तुम खाती हो खाना या कल वाला हशर करो, मैं तुम्हारा। ईमान अमान को देखती रह गई अभी माफ़ी, और अब ये उसने खाने की हामी भरी तो अमान ने उसे खुद खाना खिलाया और खुद उसके खाने के बाद खाया और उसके बाद रूम से चला गया। उसने सोचा वो एक दिन ईमान को अकेला छोड़ दे ताकि वो रिलैक्स हो जाए और उसका डर भी ख़त्म हो जाए। इसलिए अमान ने एक फैसला किया और घर जाके पैकिंग करने लगा। जब रात के वक्त उसे पैकिंग करते देखा ईमान हैरान हुई पर उसने कुछ पूछा नहीं। जब अमान ने पैकिंग मुकम्मल कर ली तो ईमान की तरफ आया और उसे कहा ईमान मैं कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ईमान चुप रही। वो चाहता था ईमान उसे रोक ले पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमान ने टूटे दिल से एक बार ही हंसकर ईमान को देखा और कहा अपना ख्याल रखना, मैं नहीं हूँगा अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब वो चुप रही और फिर अमान उसे अपने साथ लगाते प्यार किया और कहा मैं बहुत याद करूँगा तुम्हें, कहकर अमान चला गया और ईमान उसे जाता देखती रही। आज एक महीना हो गया था अमान को गए। उसने ईमान को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया था। ईमान परेशान थी पर उसकी अना उसे अमान की तरफ बढ़ने से रोक रही थी। ईमान को बहुत कमी महसूस हो रही थी अमान की। वो ईमान की हर बात का ख्याल रखता था, उसे अमान की याद आ रही थी पर वो चुप थी। वो सोचों में गुम थी जब मम्मा उसके पास आईं। बेटा तुम तैयार हो जाओ, हम आज रोशनी के घर चलेंगे और अगर तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो। अमान वैसे नहीं है घर में मेरे साथ, तुम बोर हो जाती होगी। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मम्मा हंसी और कहा उठो बेटा तैयार हो जाओ। ईमान ने जी अम्मी कहकर तैयार होने चली गई। तैयार होकर वो अम्मी के रूम में चली गई। वो भी तैयार थी। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। अम्मी अमान कहाँ है? बेटा इस्लामाबाद है, इतना कहा है एक महीना हो गया है अब आ जाए पर वो कहता है काम है उसे। मैं तो हैरान हूँ वो तुम्हारे बगैर रह कैसे रहा है। अम्मी की बात सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ गए पर वो मुंह फेर गई। चले हाँ बेटा मैं बस परस लेकर आई। ईमान को रोशनी के घर 2 दिन हो गए थे, वो बहुत चुप चुप थी। रोशनी ने आज ईमान से पूछ ही लिया, ईमान मैं देख रही हूँ तुम जब से आई हो बहुत चुप हो। ईमान जो इतने वक्त से जब्त किए बैठी थी रोशनी के पूछते ही रो पड़ी। रोशनी घबरा गई कि क्या हुआ ईमान आप ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईमान ने पूरी बात रोशनी को बता दी। रोशनी ने ईमान की पूरी बात सुनने के बाद बस इतना कहा ईमान इस बार कसूर तुम्हारा है, तुम्हें अमान को रोका तक नहीं। आप ही इस वक्त मैं इस पर गुस्सा थी, उसने बहुत गलत किया था मेरे साथ। ईमान गलत उसने नहीं तुमने किया, तुम जानती थी अमान तुम्हारे बगैर नहीं रहता। वो कितनी बार तुम्हें लेने आया तुमने मना कर दिया। इंसान है वो, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ होगा तो ड्रिंक की होगी। इस पर तुमने हमेशा के लिए जाने का कहा तो उसका जवाब उसने दिया और तुम्हें उसके बाद जब माफ़ी मांगी तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए था। वो तुम पर हक रखता है, ये तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने उसे हर हक से महरूम रखा। रोशनी ने ईमान को हर बात समझाई और वो रोने लगी। आप ही मैं अब क्या करूँ, अब भी मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हें क्या करना है। आप ही वो मुझसे बात भी नहीं करते, अब तो तुम कर लो। ईमान जहाँ मोहब्बत हो वहाँ अना नहीं देखते, ना ही ये देखते हैं कि पहल कौन करे। जिसको मौका मिले वो पहल कर दे वरना यूं ही वक्त गुजर जाता है और इंसान के पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं रहता। आप ही मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। आप ही मुझे घर जाना है, ड्राइवर से कहें कि मुझे घर छोड़ाए। ठीक है ईमान मैं कहती हूँ। ईमान आज बहुत खुश थी, उसे समझ आ गया था कि वो क्या चाहती है। वो घर पहुँची अम्मी सोई हुई थी, बाबा वैसे ज़्यादातर बाहर रहते थे। वो अपने कमरे में जाने लगी और सोचने लगी कि कमरे में जाकर अमान को कॉल करेगी। कमरे में पहुंची तो मुकम्मल अंधेरा था, उसने लाइट चलाई तो हैरान रह गई। अमान सामने सोया हुआ था। वो अमान के करीब गई और उसे देखने लगी। एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई थी पर फिर उसे ख्याल आया, अमान ने आकर उसे बताया तक नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पीछे हट गई और सोफे पर जाकर सो गई। अमान की आँख खुली, उसने जब ईमान को सोफे पर देखा उसे बहुत दुख हुआ और वो दूसरे रूम कमरे में जाकर सो गया। ईमान ने सुबह देखा अमान कहीं नहीं दिखा तो नीचे चली गई। मम्मा अमान कब आए? अमान तो कल आया था बेटा, उसने तुम्हें नहीं बताया? मम्मा हैरान हुई। जी वो मैं भूल गई थी, ईमान ने बात बनाई और किचन में चली गई। ईमान को बहुत रोना आ रहा था, अमान उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था और ये बात ईमान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो घर में कम रहता था, वो बस रात में आता और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। ईमान से उसने अब तक बात नहीं की थी, उसे यही लगता था ईमान के पास जाऊंगा तो वो डर जाएगी और ईमान उसे दूर रहना चाहती है और वो अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। ये उसका दिल जानता था, वो अंदर ही अंदर कितना तड़प रहा था पर चुप था। अमान घर आया तो ईमान किचन में काम कर रही थी। अमान ने उसे कभी किसी काम में नहीं कहा था और अब भी जब वो ईमान को काम करते देखता मना करना चाहता पर कर नहीं पाता। अभी भी वो यही सोच रहा था, ईमान तुम्हें मैं शहजादी बनाकर रखना चाहता हूँ हमेशा, पर ये बात तुम्हें कैसे समझाऊँ। वो अपने रूम में गया, अपने कपड़े निकाले और वापस साथ वाले रूम में चला गया। उसने देखा कि इस कमरे पर पानी नहीं रखा, आज काम वाली ने तो पानी पीने किचन में आ गया। ईमान अब भी वहीं थी, वो अमान के लिए कॉफ़ी बनाती थी रोज़, जिसका इल्म अमान को नहीं था। अमान को
देखकर ईमान ने कॉफी कप की जगह हाथ पर गिरा ली। उसकी चीख निकल गई थी और अमान एकदम उसकी तरफ भागा। क्या हुआ है? उसने ईमान का हाथ देखा, जल गया था। अमान ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकाली और ईमान के जख्म पर क्रीम लगाने लगा। आज के बाद मैं तुम्हें किचन में ना देखूं, अमान कहते चला गया। ईमान वहीं बैठी ये सोचती रही कि पहले इसका एक आंसू निकलता था, अमान उसके पास पूरी रात बैठा रहता था, अब हाथ जलने पे बस ये कहकर चले गए कि किचन में ना जाऊं। ठीक है अमान, अब ऐसा सही, मैं भी अब आपके सामने नहीं आऊंगी। उसने दिल ही दिल में वो रो रही थी और वहां अमान कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। ईमान कमरे में जाकर घुटनों में मुंह दिए रो रही थी, वो अलग तड़प रहा था। ईमान ऐसे ही सो गई। आधी रात को वो कमरे में आया। ईमान के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें वाजें थी। उसने उसे प्यार किया और सोचने लगा शायद ईमान को बहुत जलन हो रही है इसलिए इतना रोई है। वो जानता था ईमान बहुत नाजुक सी है, उसे ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पूरी रात वहीं ईमान के पास बैठा रहा। जब सुबह के साए लहराने लगे तो वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उसे पता था ईमान नमाज के लिए उठेगी। इसी तरह एक महीना गुजर गया। अमान ने उस दिन के बाद सबको मना कर दिया था कि ईमान किचन में ना दिखे। आइंदा मुझे और सब वर्कर ईमान को किचन में नहीं जाने देते थे और अगर वो जाने का कहती तो वो कहते मैडम सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। इस वजह से ईमान अब किचन में जाना छोड़ गई थी। वो अपनी वजह से किसी की नौकरी नहीं छुड़वाना चाहती थी। आज अमान घर था। ईमान उसके पास आई और कहा अमान मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहो, सुन रहा हूँ। उसने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे अम्मी के पास जाना है। उसने एक नज़र उसे देखा, कहा ठीक है जाओ, मैं अकेली जाऊँ इतनी दूर? हाँ, अमान ने तो बस ऐसे कह दिया। ईमान सच समझ गई और चुप करके वहाँ से चली गई। अमान ने उसी वक्त ड्राइवर को कॉल की कि वो अपनी पैकिंग कर ले, सिंध जाना है कल। वो ये बात ईमान को कहना भूल गया और जैन की तरफ चला गया। ईमान का दिल आज बहुत बुरी तरह टूटा था। उसने सोच लिया था वो वापस कभी नहीं आएगी अब, और जब अकेले ही जाना था तो कल या आज क्या फ़र्क पड़ना। उसने अमान से पूछ लिया था, मम्मा बाबा उम्रे पर गए हुए थे, घर में और कोई था नहीं। ईमान ने अपनी पैकिंग की और अपनी ज़रूरत का हर सामान ले लिया ये सोच करके अब वो वापस कभी नहीं आएगी। ईमान शाम के वक्त बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। वॉचमैन से उसने रास्ता और बस का पूछ लिया था और अब वो अपनी मतलूबा बस के इंतज़ार में खड़ी थी। अमान घर आया तो ईमान उसे कहीं नहीं दिखी। वो चेंज करने के लिए कपड़े लेने गया तो ईमान की कबर्ड खाली देखकर ठटक गया। वो जल्दी से नीचे भागा और वॉचमैन से पूछा, मैडम कहाँ है? उसने कहा, नहीं गए, एक घंटा हुआ है। अमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। किसके साथ गई है? अकेली सर। अमान इस वक्त गाड़ी लेकर बस स्टैंड गया। वहाँ जैसे पहुँचा हर जगह पागलों की तरह ईमान को ढूंढने लगा। काफ़ी देर अमान ईमान को ढूंढता रहा पर उसे ईमान नहीं मिल रही थी और अमान का सोच सोच कर बुरा हाल था कि ईमान कहाँ गई होगी। वो सबसे पूछने लगा पर उसे भी कुछ पता नहीं चल पाया। ईमान ने कभी कोई सफ़र अकेले नहीं किया था और वो बुरी तरह डर रही थी। वो घर से गाड़ी में भी नहीं निकली गुस्से से और उसे इतने रास्तों का भी नहीं पता था। अब उसे डर लग रहा था और वो पछता रही थी कि वो क्यों ऐसे आ गई। ड्राइवर के साथ आती तो कम से कम वो उसे सही बस में बिठा देता और अब उसे सबकी नज़रों ने परेशान किया हुआ था। वो मुकम्मल हिजाब में थी पर इन दो लड़कों ने तो उस पर नज़रें ही गाड़ ली थी और वो उनसे छुपने के लिए एक अनजान रास्ते पर चल दी जिसका उसे पता तक ना था। ईमान बुरी तरह डर रही थी। रात हो गई थी और वो ना जाने कहाँ थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईमान काफ़ी देर तक सुनसान सड़कों पर चलती रही। फिर उसे याद आया उसने पर्स में मोबाइल रखा था। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, ऑन किया, अमान को कॉल करने लगी तो एक ख्याल आया, अमान को अब मेरी क्या फिक्र, वो मुझे क्यों लेने आएगा, वो तो सो रहा होगा आराम से, उसने खुद मुझे अकेले जाने का कहा था। ये सोचकर वो मोबाइल रखने लगी थी। फिर सोचा इस वक्त अमान ही उसे यहाँ से ले जा सकता है, एक बार उससे पूछ तो सकती हूँ। ये सोचकर ईमान ने अमान को कॉल की। अमान जो कब से उसे कॉल मिला रहा था उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। ईमान की कॉल पर एकदम कॉल उठाकर कहा, ईमान कहाँ हो तुम? अमान मैं पता नहीं कहाँ गुम हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत सुनसान है, कोई भी नहीं है। अमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ईमान आसपास देखकर बताओ क्या है, दरख्त हैं, बेवकूफ़ कोई जगह बताओ, सामने एक हरे कलर की मस्जिद नज़र आ रही है। ईमान तुम वहीं जाओ, मस्जिद के पास मैं आ रहा हूँ और वहाँ से कहीं मत जाना, मैं वहीं आ रहा हूँ। और कुछ देर में अमान वहाँ मौजूद था। ईमान वहीं कोने में खड़ी थी। अमान उसके पास गया। ईमान एकदम अमान की तरफ भागी और उसके गले लगकर रोने लगी। वो चुपचाप खड़ा उसको देख रहा था। उसने उसे सीधा किया और कहा चलो। ईमान ने हाँ कहा और अमान के साथ गाड़ी में बैठ गई। अमान के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी ये वही जानता था। वो रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। ईमान नीचे ही बैठ गई जब अमान ने जोर से ईमान को बुलाया। उसकी आधी जान अमान के गुस्से वाली आवाज़ से ही निकल गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊपर जाने की। एक बार फिर अमान की आवाज़ आई, वो ऊपर गई। अमान कमरे में चक्कर लगा रहा था, उसे देखकर वो रुक गया। इधर आओ। ईमान को अमान की आंखें सुर्ख होती नजर आ रही थी। फिर ठहर कर वो गई। एक जोरदार थप्पड़ ईमान के गाल पर निशान छोड़ गया था।
ईमान दूर जाके गिरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह घर से बाहर जाने की? जानते भी हो कि क्या हो सकता है। आज तक हर बात तुम्हारी इग्नोर की क्योंकि तुम जहनी तौर पर मेच्योर नहीं हो, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है मेरा दिल करता है तुम्हारा हशर कर दूँ। तुम्हें किस बात की ईगो है? इतनी क्यों गई थी तुम अकेली? अब के अमान ईमान की तरफ झुककर कहने लगा। अमान के थप्पड़ की वजह से ईमान कांपने लगी थी। उसने टूटे अल्फाजों में कहा, तब तो तुमने कहा था अकेले जाने का, इसलिए मैं चली गई थी। ईमान, मेरा दिल करता है मैं अपना सर पहाड़ों में फाड़ दूँ या तुम्हारा। अमान का लहजा बहुत सख्त था। वो रोने लगी, चुप, एकदम चुप। ईमान और रोने लगी। अमान, आई एम सॉरी, मुझे डांटो मत, ईमान ने इतनी मासूमियत से कहा कि अमान का सारा गुस्सा झाग की तरह उड़ गया। अच्छा रो मत, इधर आओ मेरे पास। नहीं आऊँगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब, और तुमने मुझे मारा। वो रोते रोते बोलने लगी, तो तुम कर लो प्यार। अमान उसकी तरफ जाने लगा। वो दूर हुई। अमान ईमान की बात से समझ गया कि ईमान मोहब्बत हो गई है, अब बस उसका मानना बाकी है। अमान ने पास जाकर ईमान को खुद से लगाया। इस बार ईमान ने उसे हटाया नहीं, बल्कि खुद भी वो सुकून महसूस करने लगी। वो समझ गया था अब उसे क्या करना है, और वो समझ गया था कि वो गलत समझ रहा था। ईमान उससे दूर नहीं, उसके पास रहना चाहती है, पर ये बात कहती नहीं, और अमान को उसके मुँह से ये बात सुननी थी। ईमान ने सोचा कि अमान ने उसे कल ढूंढा, उसे गले लगाया, मतलब वो अभी उसे बहुत प्यार करता है, पर वो सुबह से है कहाँ और रात को वो दूसरे कमरे में क्यों गया था? वो सोच में पड़ गई थी। कितने दिन गुजर गए, अमान ने ईमान से बात नहीं की और ना ही इसकी तरफ कोई तवज्जो दी। वो पहले की तरह रात में आता और अलग कमरे में जाके सो जाता। ईमान दिन ब दिन अमान की मोहब्बत में घिरती जा रही थी। उसे गुस्सा था खुद पर कि वो क्यों अमान का इंतजार करती है, जब उसे नहीं पड़ी तो मैं क्यों सारा दिन उसके लिए तड़पती हूँ। अभी ईमान यही सोच रही थी कि अमान आता दिखाई दिया। वो सीधा रूम में गया और पैकिंग करने लगा। ईमान सब देख रही थी। अमान बैग उठाकर जाने लगा, जब ईमान ने उसे पुकारा। अमान, अमान रुक गया। बस इतना ही कहा, चुप रहा। कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर तुमसे, अमान के जवाब पर ईमान का दिल तड़प कर रह गया था। कहाँ? इस्लामाबाद जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो ना? अब मैं और ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान मेरे पास आना ही ना चाहे तो मैं उसे कब तक कैद कर सकता हूँ? मैंने ड्राइवर को कह दिया है, जब तुम्हें सिंध या कहीं भी जाना होगा वो तुम्हें छोड़ देगा, और रज़िया बीबी तुम्हारे साथ जाएंगी। जहाँ भी तुम जाओगी, ये घर तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहो रह सकती हो। अम्मी के घर रहना चाहो तो भी तुम जा सकती हो। मैं सब समझा दिया है ड्राइवर को। अमान की बातें सुनकर ईमान की आंखें भर आईं, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अमान, ईमान ने जाते देखा था, पुकारा, अमान मुझे माफ़ कर दो। वो रुका और ईमान के पास आया। किस बात के लिए? अमान, मैं जानती हूँ मेरी गलतियाँ हैं, हर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रो रही थी और अमान उसे दिलचस्पी से देख रहा था। फिर आगे बढ़ा और ईमान का हाथ थाम लिया। क्यों रोक रही हो मुझे? ईमान, तुम तो चाहती थी तुमसे दूर रहूं। वो पहले चाहती थी, ईमान ने फौरन जवाब दिया। तो अमान ने उसकी बात पकड़ ली, अब क्या चाहती हो? अमान ने उसकी आंखों में देखा। वो मैं, ईमान कन्फ्यूज़ होने लगी, क्या वो मैं, साफ साफ बताओ वरना मैं जा रहा हूं। अमान जाने लगा कि ईमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अमान मुड़ा और ईमान से पूछने लगा, बताओ क्या चाहती हो, जाओ या नहीं? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। क्यों? अमान ने वजह जानना चाही, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता है। अमान बदमजा हुआ, ईमान तुम सही से बताती हो या मैं चला जाऊँ और फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, कहकर अमान हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ा। नहीं अमान, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो मुस्कुराया और फिर ईमान की तरफ देख के कहा, क्यों? अमान मैं तुमसे, ईमान रुक गई, क्या मुझसे तुम, अमान बजिद हुआ, अमान मैं तुमसे, ईमान ने नज़रें झुका ली। ईमान क्या तुम मुझसे बताओ ना, अमान मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, उसने कहकर चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। वो उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और उसके पास आ गया और इसके हाथ चेहरे से हटाए। ईमान आई लव यू, अमान ने कहकर ईमान को खुद में छुपा लिया। ईमान को शर्म आ रही थी। अमान ने उसे सीधा किया और कहा, इतनी देर क्यों की कहने में, मुझे शर्म आती है। ईमान ने फिर अपना चेहरा छुपा लिया। अमान ने फिर उसके हाथ हटाए और कहा, सदके जाऊँ, अब शर्माना छोड़ो और कुछ करो। क्या? ईमान ने पूछा। अपने होंठ रखो यहाँ, अमान ने अपने होंठों की तरफ इशारा करते कहा। ईमान ने नफी में सर हिलाया तो अमान ने ईमान का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ईमान नजरें नीचे किए हुए थी। अमान ने अपना अंगूठा ईमान के होंठों को ऊपर फेरा और कहा, इजाज़त है। ईमान चुप रही और शर्माकर अमान के गले लग गई। वो हंसने लगा और उसे फिर से पूछने लगा, इजाज़त है? और ईमान ने हाँ कहकर आंखें बंद कर ली और अमान ने उसे प्यार की मोहर जब्त करने लगा। इस बार ईमान ने उसे नहीं रोका था, आज रात उनके मिलन की रात थी। अमान बहुत खुश था और ईमान भी बहुत खुश थी। सुबह जब अमान उठा तो ईमान रूठी बैठी थी। उसने पूछा, कैसा फील हो रहा है आज आपको? मिसेज अमान, मैंने नहीं बोलना। ईमान ने मुंह बनाया, क्यों यार, अब क्या हुआ? रात को सब हम दोनों की मर्जी से हुआ है, मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया। फिर क्यों नहीं बोलना? आपने सबको मना किया है, कोई मुझे कुछ काम नहीं करने देता। अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता तुम काम करो और फिर मेरे बच्चों को अपनी मजलूमियत की कहानियाँ सुनाओ। अमान, ईमान ने उधर से कुशन फेंक कर मारा था
उफ, अच्छा इधर आओ, तुम्हें काम करना है ना। हाँ, ईमान ने कहा, आओ मैं बताता हूँ तुम्हारा काम क्या है। नहीं, मैंने नहीं आना, मुझे पता है तुम क्या काम कहोगे। अच्छा बताओ क्या काम कहूंगा। नहीं, ईमान कहकर भाग गई। 3 महीने के बाद, अमान मेरी तबीयत खराब हो रही है, ईमान ने रात के 2 बजे अमान को उठाते हुए कहा। अमान एकदम उठ बैठा। क्या हुआ ईमान? अमान ने ईमान का माथा चेक किया था लेकिन उसे बुखार नहीं था। अमान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। अच्छा रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अमान ने इतना कहा कि ईमान एकदम वॉशरूम की तरफ भागी। अमान भी उसके पीछे भागा। ईमान बाहर आई तो निढाल थी। अमान ने उसे उठा लिया। क्या हो गया है मेरी जान को, क्यों वोमिट हो रही है? अमान उसे उठाए प्यार से पूछ रहा था। पता नहीं, 2 दिन से दिल बहुत खराब हो रहता है, बहुत बेचैनी होती है। अच्छा मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आता होगा। अब मुझे नीचे तो उतारो, ईमान ने कहा। नहीं कर रहा दिल, रात के 2 बजे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रही है। रोमांस रात में ही होता है मैडम, अमान कहकर ईमान पर झुका गया। ईमान ने उसे दूर किया। नहीं करो, पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक। आ रहा है डॉक्टर, बस पहुंचने वाला होगा। जब तक डॉक्टर भी आ गया, उसके साथ एक नर्स थी जिसने ईमान का चेकअप किया और बाहर आकर ईमान को खुशखबरी दी। अमान के पैर जमीन पर नहीं ठहर रहे थे, वो अंदर गया और ईमान को उठा लिया। थैंक यू सो मच ईमान, आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। अमान उसे बेइंतहा प्यार करने लगा था और ईमान अमान की बाहों में खुशी से झूमने लगी। सब इस बात का सुनकर बहुत खुश हुए थे। अमान तो अब ईमान को बेड से उठने भी नहीं देता था। मम्मा भी ईमान का बहुत ख्याल रखती थी, बाबा भी बहुत खुश थे। और 9 महीने बाद ईमान ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया जिसने इन दोनों को मुकम्मल कर दिया था। सबने मिलकर उसका नाम रुमान रखा। अमान बहुत खुश था, उसने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। अरसलान साहब अपने पोते से मिलने के लिए बहुत बेकरार थे और अमान अपने ईमान से मिलने के लिए। तभी डॉक्टर ने मिलने की इजाज़त दी तो अमान अंदर आया। ईमान सोई हुई थी, अमान ने ईमान के हाथ पकड़कर उसे प्यार किया तो ईमान उठ गई। थैंक यू ईमान, ईमान मुस्कुराने लगी। हमारा बेबी कहाँ है? ईमान ने बमुश्किल लफ्ज़ जमा करके कहा था, रोशनी के पास है। तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी दुआओं में लगी हैं। अमान ने ईमान के माथे पर बोसा दिया जब तक रोशनी रुमान को अंदर ले आई। अमान ने ईमान को एहतियात से बिठाया और रुमान उसकी गोद में दिया। ईमान बहुत खुश हुई, उसने रुमान को प्यार किया और अमान की तरफ देखकर हंसने लगी। अमान भी उसे ही देख रहा था। अमान ने ईमान और अपने बेटे को गले लगाया और अपनी बाहों में भर लिया।